24. तो लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे, एक बार फिर से करते हैं। ये एक जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है उसका एक लास्ट पार्ट चल रहा है, लास्ट पार्ट जहां पे हरिमंत सर तीन बेसिक चीजों के बारे में बता रहे हैं। कौन सी चीजें तीन बेसिक? एक तो प्राइम रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन, ठीक है, एक तो प्राइम रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन कैसे होता है मेडिसिन। सेकेंड कि जब एंटीबॉडी दी जाती है तो उसका प्राइम रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन कैसे होता है, और थर्ड कि होम्योपैथी का प्राइम रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन कैसे डिफरेंट है एंटीबॉडी के प्राइमरी और सेकेंड रिएक्शन के साथ। ये जो तीन बेसिक थोड़ी सी चीजें हैं, ठीक है, समझनी भी बहुत जरूरी है, क्यों समझनी पहले तो जरूरी है, ठीक है। आपके पास पेशेंट आता है, कोई ना कोई दवाइयां ले रहा है वो, कुछ ना कुछ, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी एक डिफरेंशिएशन है कि एंटीपैथिक और एलोपैथिक, है ना, हमने पहले भी किया है कि भाई एंटीपैथी इज कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस, ठीक है ना, कि जो सिम्टम दिया है, जो सिम्टम आया है उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक्टिंग फोर्स। किसी को हाथ ठंडे हो रहे हैं तो उसको बोलो कि सेक ले, गर्म कर ले, ठीक है ना, बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक्टिंग एक फिनोमेना डेवलप करना किसी तरह से मेडिसिन के साथ या किसी और चीज के साथ उसके अंदर, ठीक है ना, दिस इज एंटीपैथी। एलोपैथी इज डिफरेंट, एलोपैथी अडॉप्ट एंटीपैथी, उसने उसको अडॉप्ट किया हुआ एंटीपैथी के सिस्टम को, बट इन एलोपैथी इट इज के बीमारी किसी और जगह पे है और जो दवाई है वो किसी और जगह पे एक्शन कर रही है, ठीक है। हमने इसमें ग्लिमिप्राइड की एक एग्जांपल ली थी कि प्रॉब्लम इज इन द पैंक्रियाज, ठीक है ना, जहां पे इंसुलिन इज बीइंग सिक्रेटेड लेस। देखिए जो ग्लिमिप्राइड है वो इंटेस्टाइन के ऊपर काम कर रही है, ठीक है ना, जो पार्ट हमारा अफेक्टेड नहीं है वो उस पार्ट के ऊपर जाके काम कर रही है। तो दिस इज बेसिकली हेट्रोपैथिक वे और एलोपैथिक वे जो है। तो यहाँ पे जो लास्ट है, ठीक है ना, इसके साथ फिनिश कर रहे हैं हनुमंत सर, जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वर्तमान का, कि प्राइमरी एक्शन एंटीपैथी और होम्योपैथी, ये तीन चीजों से, ठीक है, हम बात करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास पेशेंट आ रहा है कोई मेडिसिन ले रहा है, मेडिसिन लेने के बाद उसके कुछ सिम्टम्स बेटर हो रहे हैं लेकिन कुछ सिम्टम्स आ भी रहे हैं। तो होम्योपैथी वी शुड नो कि ये जो सिम्टम आ रहे हैं ये कहीं मेडिसिनल एक्शन के अंडर आ रहे हैं या ये कुछ नई चीज डेवलप हो रही है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली परसों चौथ की बात है, एक पेशेंट थे, उनके आईज में प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, एक न्यूराइटिस की प्रॉब्लम, बहुत सीवियर पेन होती है लेफ्ट आई में। अब वो शुरू कैसे हुई कि उनको एक्जिमा हुआ था, एक्जिमा के लिए मेडिसिन ली, ठीक है, कोई टॉपिकल ऑइंटमेंट वगैरह लगाई, वो थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन उसके बाद न्यूराइटिस शुरू हो गया। अब जब मेडिसिन दी, न्यूराइटिस ठीक हुआ, कंप्लीटली ठीक हो गया न्यूराइटिस, और जो एक्जिमा उसके ऊपर इचिंग बढ़ गई, तो उस इचिंग बढ़े के लिए उन्होंने फिर से कुछ ना कुछ मेडिसिन दे ली, तीन चार बारी ली, और जैसी वो थोड़ी सी इचिंग हल्की सी कम हुई, वो न्यूराइटिस की पेन फिर से रीअकर हुई। अब ये हमें इसका एक लॉजिक समझना है, अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अवर एक्टोडर्म एंड न्यूरो एक्टोडर्म आर बेसिकली फ्रॉम द सेम पार्ट, जब एम्ब्रियोलॉजी में डेवलप हो रही है, तो जो हमारी न्यूरो एक्टोडर्म है, हमारे नर्व्स है, हमारा ब्रेन है, ठीक है, वो एक्टोडर्म में ही डेवलप हो रहा है बेसिकली। अब जब भी कोई एक्टोडर्म की प्रॉब्लम को सप्रेस किया जाता है, देयर कैन बिकम अ पाथवे, ठीक है, क्योंकि न्यूरो एक्टोडर्म एंड एक्टोडर्म बड़ी क्लोज है इन रिलेशन, बहुत ही नजदीक है इन रिलेशन। तो देर आर मेनी टाइम चांसेस कि जो स्किन है वहां से ट्रबल शिफ्ट होके सीधी नर्वस सिस्टम पे चली जाए, बहुत बार ऐसा देखा जाता है। देर इज दिस रिलेशन, देन देर आर सम मेडिसिन विच कैन डू दिस मोर फ्रीक्वेंटली देन दी अदर मेडिसिन, ये भी है साथ में। कुछ ऐसी दवाइयां हैं, ठीक है ना, एलोपैथिक उसमें या जो बेसिकली ये चीज ज्यादा जल्दी करती है एज कम्पेयर टू अदर मेडिसिन। और खास करके अगर ऐसा पुराना एक पाथवे बना हो तो वो रीअपियर और रीअकर और रीस्टार्ट हो सकता है वो पाथवे,
ठीक है ना. सो वी नो दैट दिस इज बेसिकली एन एक्शन ऑफ द मेडिसिन. ये एक मेडिसिन का एक्शन है, एक सप्रेशन हुई है. ठीक है, सो वी कैन फाइंड आउट सच रेमेडीज जहां पे हमें ये चीज मिलती है कि सप्रेशन के बाद ऐसे हुई है. एंटीपैथी इज मोर ऑफ अ पैलिएटिव सिस्टम. वहां पे क्या होता है मोस्टली जब एंटीपैथी के लिए दिया जाता है कि ठीक तो होता है कुछ देर के लिए कोई चीज, लेकिन वो दोबारा रीअपियर हो जाती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर रीअपियर होती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर रीअपियर हो जाती है. वो वहीं पे बात चलती रहती है उसकी, ज्यादा इधर उधर नहीं जाती वो ऑर्गन से, उस टिश्यू से. ज्यादातर जा सकती है, ऐसा भी नहीं होगा उसकी, लेकिन ज्यादातर ठीक है ना. अंटिल एंड अनलेस बहुत लार्ज डोजेस ऑफ मेडिसिन दी जाए फिर इट कैन मूव टू सम अदर थिंग, ठीक है ना. बट विद द मेडिसिन विच हैव एन एक्शन ऑन अ डिफरेंट सिस्टम एंड आर बीइंग ट्राइड फॉर अ डिफरेंट सिस्टम, उसमें ये चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां पे एक आर्टिफिशियल डिजीज बन रही है एक नेक्स्ट टिश्यू के ऊपर, एक अलग टिश्यू के ऊपर आर्टिफिशियल डिजीज पैदा कर रहे हैं. यहाँ पे टिश्यू तो सेम ही है, फॉर एग्जांपल 69 में यही बात करेंगे एनिमल पर आगे जाके, कि एटलीस्ट टिश्यू तो सेम ही है एंटीपैथी में, उसमें टिश्यू में तो कोई तब्दीली नहीं, ठीक है ना, उसी टिश्यू के ऊपर एक्ट करिए. ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ठीक है, मैंने एक आपको ब्रीफ में दिया है कि आगे आगे जैसे पढ़ेंगे तो और वो चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सो ड्यूरिंग द प्राइमरी एक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल मॉर्फिक एजेंट, जब आर्टिफिशियल मॉर्फिक एजेंट दिए जाते हैं, मेडिसिन कोई भी दी जाती है, उसका प्राइमरी एक्शन क्या होता है ऑन अवर हेल्दी बॉडी, एज सीन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स. इसके नेक्स्ट एफोरिज्म में उसकी एग्जांपल भी दी जाएगी. अवर वाइटल फोर्स सीम्स टू कंडक्ट इटसेल्फ मेयरली इन अ पैसिव मैनर. हमारी जो वाइटल फोर्स है ऐसा महसूस होता है तो एक पैसिव मैनर में काम करी, कब, प्राइमरी एक्शन में. कोई भी मेडिसिन ली गई तो जो हमारी वाइटल फोर्स है वो एक पैसिव मैनर में, रिसेप्टिव मैनर में उस इंप्रेशन को रिसीव कर रही हो. एंड पियर सो टू से कंपेल्ड टू परमिट द इंप्रेशन ऑफ द आर्टिफिशियल पावर एक्टिंग फ्रॉम विदाउट टू टेक प्लेस. कोई भी जो इंप्रेशन आ रहा है ठीक है ना, वो कंपेल्ड होती है, वो इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि उसको वो आर्टिफिशियल पावर का, उस आर्टिफिशियल एजेंट की जो भी पावर है उसको अपने ऊपर काम होने देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी फंक्शनिंग ऐसी है. ठीक है, तो प्राइमरी एक्शन में जब भी कोई चीज मेडिसिन दी जाती है, कोई भी ऐसी चीज दी जाती है, तो वाइटल फोर्स उसको अपोज नहीं कर सकती, प्राइमरी एक्शन में नहीं कर सकती उसको अपोज, उसको उसके अपने ऊपर असर होने देना पड़ता है. इट देन हाउएवर टू रोज इटसेल्फ अगेन, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी एक्शन शुरू होता है तो अपने आप को फिर से रोज करती है, अपने आप को फिर से रिएक्ट करने के लिए कैपेबल करती है, एज इट वर जैसे वो थी. एंड टू डेवलप, और क्या डेवलप करती है, पहली कंडीशन द एग्जैक्ट ऑपोजिट कंडीशन ऑफ द हेल्थ. जो भी उसके ऊपर प्राइमरी एक्शन हुआ था उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट कंडीशन प्रोड्यूस कर देती है, काउंटर एक्शन सेकेंडरी एक्शन जिसको हम बोलते हैं. तो दिस इफेक्ट ठीक है ना, प्राइमरी एक्शन जो भी हुआ उसके ऊपर उसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट उसने कंडीशन प्रोड्यूस कर दी. If there be such an opposite state, अगर ऐसी opposite state उसके body में already present है, किसी को सर दर्द हो रहा है तो वो state present है उसके पहले, ठीक है, उसकी body में उसके अंदर वो state already present है, headache की, उसको सर दर्द हो रहा है बंदे को, उसने कोई ली सर दर्द के लिए दवाई, कोई पेन किलर ली, उसने काम किया, सर दर्द ठीक हो गया, primary action हुआ उसके ऊपर, क्या सर दर्द ठीक हो गया. जैसे जैसे उस मेडिसिन का एक्शन जाता है, जैसे जैसे वाइटल फोर्स अपने आप को फिर से राउज करती है, वैसे वैसे उस दर्द फिर से वापस आना शुरू हो गया, तो फिर से आ गया वापस. और कैसा है, इफ देयर बी सच एन ऑपोजिट स्टेट एंड दैट इन एज ग्रेट डिग्री एज वाज बी बेटर, और उससे उतनी ही डिग्री में जितना कि उस दवाई का असर था उतनी ही डिग्री में वो फिर से वापस आ गया, प्राइमरी एक्शन की डिग्री जितनी थी, ऑफ द आर्टिफिशियल मॉर्फिक और मेडिसिनल एजेंट ऑन इट प्रोपोर्शनल टू इट्स ओन एनर्जी. लेकिन उसमें खुद में भी उतनी एनर्जी होनी चाहिए, ये भी बात है, बैलेंस होना है. उसका हेडेक एक अलग तरह का हेडेक है, नेटरम्यूर का एक अलग तरह का हेडेक, डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शनेट एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ब्राइटा का और भी बिल्कुल अलग तरह का है, अगेन प्रोपोर्शनेट टू इट्स ओन एनर्जी. ठीक है ना, ये ये एनर्जी का पार्ट है ना, बहुत बार ये हमें मेडिसिन सिलेक्शन में हेल्प करता है. एक बच्चा है वो आके बैठा, बुखार चढ़ा हुआ है उसको, ठीक है ना,
आया बैठा आराम से बैठा हुआ, ठीक है, आप उसको देख रहे हैं, उठा चल फिर रहा है, इधर उधर देख रहा है, ठीक है, कोई ना कोई चीज छेड़ रहा है अपने, आप बात कर रहे हो, उसके बात कर रहे हैं आपके साथ आगे से, आप मदर फादर को पूछते हो घर पे कैसे रह रहे हैं, बोले नॉर्मल है कुछ नहीं, हमने हाथ लगाया तो हमें पता चला कि इसको फीवर है, बुखार चढ़ा हुआ है इसको, अदरवाइज ये अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, इसको देख के नहीं ऐसा लगता भी बुखार चढ़ा है इसको, भाग रहा है अपना सब कुछ कर रहा है, ठीक है। अभी यहीं पे एक दूसरा बच्चा है, उसको भी फीवर हुआ होगा, उसके भी आंखें नहीं खोल रही है, तो ऐसे बिल्कुल निडाल होकर लेटा हुआ है, बिल्कुल निडाल है, इसमें कोई ऐसे लग रहा है कि जैसे ना उसको उठा के बिठा के अपनी गोद में सहारे के साथ थोड़ा बहुत खिलाना पड़ता है, नहीं थोड़ा बहुत खाते हैं बोलते मेरे को लिटा। ये दो अलग अलग बच्चे हैं, दोनों की एक अपनी अपनी एनर्जी है, ठीक है, दिस एनर्जी बेसिकली शोज और इज एन इंडिकेशन फॉर देयर मेडिटेशन, कैसी एक्टिविटी आपकी, जो पहले वाला है वहां पे एनर्जी वैसी जाएंगी, जहां पे ऐसे फीवर में भी पेशेंट इज एनर्जेटिक, एक्टिविटी रहती है, और दूसरे में ऐसी रेमडी जाएंगे जहां पे बच्चे को एंटीमटाट है, मेडिसिन हमारे मार गया बच्चा, ठंड लगी उसको, एक अभी मैंने शायद पहले बताया मार लगा, ठंड लगी, आया आके रजाई में लेट गया, तो उसके अंदर बेटा उठ के कुछ कर, उठा नहीं जा रहा, वीकनेस आ रही है उसको, अभी कुछ नहीं, हम पूछ रहे हैं वीकनेस क्यों है, कोई फीवर है, नहीं फीवर नहीं है, कोई सर दर्द, कोई खांसी जुकाम नहीं, कुछ नहीं है, ये ऐसा वीकनेस है, अभी बाकी के सिम्टम आने हैं लेकिन उससे पहले इतनी प्रोफाउंड वीकनेस आती, तो वहां से हमें इंडिकेशन आती है एकदम जो पहले इसकी एनर्जी गई है इतनी सीरियस, अभी कोई सिम्टम नहीं आया, सिम्टम आता है धीरे धीरे, फिर एनर्जी आती है, चलो एक नॉर्मल कॉमन फिनोमेना है, लेकिन अनकॉमनिटी क्या है इसमें के एनर्जी पहले चलेगी, अभी सिम्टम तो डेवलप होने, अभी इसलिए जरा खास खास के अंदर रेशा भर रहा है, अंदर एक्सपेक्टोरेशन है, अंदर इतना भरा लेकिन बाहर नहीं निकाल पा, क्यों एनर्जी नहीं है बाहर निकालने के लिए, रेटलिंग काफ है, खड़क रहा है अंदर लेकिन बाहर निकालने के लिए एनर्जी नहीं है लंग में, सो दिस एनर्जी पार्ट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर प्रिस्क्राइबिंग। अब वहीं पे जो दूसरा बच्चा जो बिल्कुल एक्टिव है, वहां पे हमारे दिमाग में काली सल जैसी रेमेडी आएगी, लेकिन एक रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो फीवर होता है उसको, लेकिन देखने वालों को नहीं पता लगता इसको फीवर है, उनको नहीं पता इसको बुखार चढ़ा हुआ, देखने में ठीक है, सब खांसी हुई है उसको, लूज मोशन है, भाग रहा अपना आराम से, चलो। सो प्रोपोर्शनेट टू इट्स ओन एनर्जी, ठीक है, तो कैसा रिएक्शन देगा, जितना उसके ऊपर पहली चीज प्राइमरी रिएक्शन है और दूसरा उसमें कितनी एनर्जी है उसके हिसाब से अपना सेकेंडरी अपोजिट रिएक्शन देती है, और बी इफ देयर बी नॉट इन नेचर ऑफ स्टेट एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ द प्राइमरी रिएक्शन, और अगर अभी उसमें स्टेट है ही नहीं एग्जैक्टली ऑपोजिट उसकी नेचर में, ठीक है ना, उसकी कंपोजिशन में उस बॉडी में एग्जैक्ट ऑपोजिट स्टेट है नहीं है प्राइमरी रिएक्शन में, तो क्या करती है, इट अपीयर्स टू एंडेवर टू इनडिफरेंशिएट इटसेल्फ, वो अपने आप को अलग कर लेती है, अलग करके क्या करती है वाइटल फोर उस प्राइमरी एक्शन थोड़ा अलग कर देती है अपने आप को, क्या करती है अलग करके, दैट इज टू मेक इट्स सुपीरियर पावर अवेलेबल इन द एक्सटिंक्शन ऑफ द चेंज रॉट इवेंट, वो क्या करती है अपनी जो सुपीरियर पावर है अभी जो राउज हो गया उसके अंदर पावर उसको यूज करती है कि जो उसमें चेंज आई है उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए, ऑपोजिट स्टेट नहीं प्रोड्यूस करती क्योंकि है ही नहीं ऑपोजिट स्टेट प्रेजेंट, हम उसके एग्जाम्पल लेंगे आप, ऑपोजिट स्टेट है नहीं प्रेजेंट तो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, जब होगी तब करेगी, अभी तो है ही ठीक है, इन द एक्सटिंक्शन ऑफ द चेंज रॉट इन इट फ्रॉम विदाउट, बाहर से एक मेडिसिन है जो जो भी उसके अंदर चेंज लाई थी उसको एक्सटिंग्विश कर देती है इन द प्लेस ऑफ विच इट सब्स्टिट्यूट्स इट्स नॉर्मल स्टेट, और अपनी जो नॉर्मल स्टेट है उसको सब्स्टिट्यूट कर देती है, सेकेंडरी एक्शन और क्यूरेटिव एक्शन, ठीक है, जो पहला वाला पार्ट है वो एंटीपैथिकली वैसे काम करती है, बी में होम्योपैथी वैसे काम करती है, लेकिन इसकी हम और एग्जाम्पल लेंगे, होम्योपैथी और एंटीपैथी की तो आ जाएंगे, ठीक है, ये दो हमने सिनेरियो लिए हैं ए और बी के, ठीक है ना, ए में क्या है कि एक पेशेंट को हेडेक है, उसने पेन किलर लिया, पेन किलर का प्राइमरी एक्शन क्या हुआ, पेन कम हो गई, सेकेंडरी एक्शन में एज द स्टेट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, अभी उसमें
हेडेक की तो है ये स्टेट अभी हमने बात की. पेन इज अगेन इंक्रीज बाय द वाइटल फोर्स इन द सेम प्रोपोर्शन एज वाज डिक्रीज बाय द पेन किलर. जितनी पेन किलर ने कम की थी उतनी ही ज्यादा दोबारा से पेन वापस आ जाएगी. ठीक है, ये होगा. अब बी में नो पेन, किसी को पेन नहीं है. ठीक है ना, हम बैठे हैं, हमें कोई हेडेक नहीं है. ठीक है ना, लेकिन फिर भी पेन किलर ले ली जाए, फिर क्या होगा? थोड़ी सी देखो, अभी पेन किलर लिया आपने, कोई भी मेडिसिन सब्सटेंस लिया, थोड़ा सा आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं ऑल्टर करेगा करेगा. ठीक है ना, इन योर हेल्दी स्टेट स्लाइट ऑल्टरेशन. तो अगर आप बहुत ही परसीव करने वाले तो आपको ऑल्टरेशन दिखेंगे, हल्का सा ना जो बॉडी है उसमें एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई है पेन किलर वगैरह. ठीक है ना, और यू विल फील ये थोड़ा सा टेम्परेचर जैसे लो के सिम्टम आते हैं वैसा आ रहा है आपको, हल्का सा ज्यादा नहीं. सेकेंडरी एक्शन में क्या होगा, ये जो नए सिम्टम आए हैं अभी इनके ऑपोजिट हमारे पास स्टेट तो है नहीं, ना पेन की स्टेट है ना फीवर की स्टेट है इस टाइम बॉडी में. ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, वाइटल फोर्स क्या करेगी, इट विल एक्सटिंक्ट द सिम्टम्स एज द ऑपोजिट स्टेट इज नॉट अवेलेबल. हमारे पास है नहीं अभी बॉडी में ऑपोजिट स्टेट, तो जितने थोड़े से सिम्टम आए हैं उनको निकाल देगी. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन ऑलरेडी एक्टिव, कोई एक्टिव पर्सन है, बड़ा अलर्ट एक्टिव पर्सन, और कॉफी पी ले, तो क्या होगा? एक डल बंदा कॉफी पीता है, उसको थोड़ी सी अलर्टनेस आ जाती है, अवेयरनेस आ जाती है, थोड़ा सा एक्साइटेबल उसमें आ जाता है. ठीक है ना, एक ऑलरेडी एक्साइटेबल इंसान है और कॉफी पी भी लेगा, क्या होगा, हल्की सी एक्साइटमेंट में थोड़ी सी चेंज आ सकती है, लेकिन वो वापस वहीं पे आ जाएगी जहां पे वो, ये डलनेस में ही जाएगा वो बंदा, क्योंकि वो डलनेस की स्टेट प्रेजेंट नहीं है उसमें उस टाइम. उसने कॉफी डलनेस को रिमूव करने के लिए नहीं पी, ऐसे केस में पी ली, तो जब उसका असर थोड़ा सा कम होगा कॉफी का, तो ही विल नॉट गो इनटू अ स्टेट ऑफ डल, ही विल कम इनटू अ नॉर्मल स्टेट जैसा वो था, क्योंकि उसमें वो स्टेट प्रेजेंट नहीं है. दूसरे ए वाले में वो स्टेट ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसके लिए उसने दवाई ली. एक डल आदमी है, उसने कॉफी पी, ठीक है ना, डलनेस को रिमूव करने के लिए, एक घंटे दो घंटे उसका असर, उसने बढ़िया काम किया, उसके बाद जब वो सब उसका असर कम हुआ, पहले मैंने छोटे वाला कप लिया कॉफी का, भी बड़े वाला लो, अपने आप अंदर से मन करता है, तो उतने से नहीं, अभी थोड़ी सी लार्ज डोज चाहिए उस चीज की. लेकिन ऑलरेडी एक एक्टिव पर्सन है, ठीक है, जिसमें लिथार्जी की स्टेट है ही नहीं अवेलेबल, वो अगर पी भी लेगा कॉफी, तो वापस जो कॉफी का हल्का फुल्का फैक्टर है वो रिमूव कर देगी वाइटल फोर्स, एंड ही विल कम बैक टू हिज ओरिजिनल स्टेट, नॉट ही विल नॉट गो टू द लेथार्जिक स्टेट. उसका नहीं मन करेगा कि मैं और बड़ा कप लूं, क्योंकि मैं अभी लेथार्जिक और थोड़ा सा लो फील कर रहा हूं. ठीक है, सो ये है दो तरह के हमारे सेकेंडरी एक्शन जो बॉडी के ऊपर होता है. 65, अब एग्जाम्पल है ए पार्ट. ठीक है ना, हरिमल सर बोलते हैं कि हम सब फैमिली रहा, हम हैं भी, मैंने पिछली बार भी यही बात कर रहा था लेकिन तब कट हो गया कनेक्शन, के हम सब इन स्टेट से फैमिली रहा, लेकिन हमारा कभी ध्यान नहीं गया उस तरफ, ध्यान नहीं गया. बड़ी मजे की बात है, पहले भी शायद की है कभी हमने, के 98% ऑफ द टाइम विच वी आर अवेक, हम जागे होते हैं, उसमें से 98% 99% टाइम ऐसा है कि हम बेहोशों की तरह होते हैं. बेहोशों की तरह मतलब मन कहीं और है, हम कहीं और, देखने गए हैं फिल्म, फिल्म में बैठे हैं, सामने फिल्म चल रही है, लेकिन ध्यान कहीं और है, घर में कहीं ये ना हो गया हो, या वो भी काम करना है, अभी यहाँ से निकल के वहां पे भी जाना है, कहीं लेट ना हो जाए वहां पे पहुंचने के लिए. एक बोलते ना कि एक डिवाइडेड माइंड है हमारा, एकाग्रता नहीं है चीज को लेके, जहां पे बैठे उसको एंजॉय नहीं कर रहे, जहां पे हैं वहां पे मन ही नहीं लगता, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लाइक दिस. और जब हम ऐसे होते हैं, वी आर नॉट अवेयर व्हाट इज हैपनिंग. हमारे एक साथ में फोन, हमें एक साथ में खाना खा रहे हैं, हमें नहीं पता खाने में का स्वाद कैसा है, हमें पता ही नहीं, आधा मन खाने में है, आधा मन किधर है, हो सकता है उसका भी कुछ पार्ट कहीं और हो, कि जल्दी जल्दी खाना खा के कहीं जाना भी है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट व्हाई वी, अब ये चीजें आप पढ़ोगे, ये कॉमनली हमें देखने को मिलती है, लेकिन जब आप पढ़ोगे
तो ऐसा मतलब हमने इसके ऊपर कभी ध्यान क्यों नहीं दिया है। तो बड़ी सिंपल चीज है, क्या अ हैंड बेस्ड इन हॉट वाटर, ठीक है ना, हाथ को हमने थोड़ी देर गर्म पानी में रखा, इज दैट फर्स्ट मच वार्मर देन द अदर हैंड दैट हैज नॉट बीन सो ट्रीटेड। एक हाथ को हमने गर्म पानी में रखा, एक हाथ हमारा बाहर, और तो हमें महसूस कर रही है हाथ में गर्म है, इस वाले हाथ ये प्राइमरी एक्शन हो रहा है गर्म पानी का हाथ के ऊपर। बट वेन इट इज विदड्रॉन फ्रॉम द हॉट वाटर एंड अगेन थॉरली ड्राई, लेकिन जब उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और उसको अच्छे से ड्राई कर लिया, इट बिकम्स इन अ शॉर्ट टाइम कोल्ड, थोड़ी समय में कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, एंड एट लेंथ मच कोल्डर देन द अदर। और कुछ समय ऐसा भी लगता है एक टाइम पे कि ये इससे हाथ से भी ज्यादा ठंडा हो गया जो गर्म पानी में डाला ही नहीं था। दिस इज द सेकेंडरी एक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द वाइटल फोर्स। मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जाम्पल भी दी थी कि हम लोग गोल्डन टेम्पल गए थे, तो बड़ी बारिश हो रही थी उस दिन, रात को गए, बहुत बारिश थी, ठंड भी बहुत थी, ठंड भी बहुत थी, मैं मैडम और बेटी थी, लेकिन चलो चले गए, ठीक है, उधर थोड़ी देर रहे, एक घंटा डेढ़ घंटा बरसात में चले, पैर भी ठंडे भी हुए, गीले भी हुए, ठीक है ना, तो ऐसा पूरा ठंडा और वेरी कोल्ड हो गए पैर, नीचे से ठंडे हो गए एकदम। आए हम लोग गाड़ी में बैठे, अराउंड 10-15 मिनट निकले होंगे, तीनों ने हमने एक चीज महसूस की कि ऐसा ना बर्निंग सेंसेशन हो रही है, पहले ठंडा हुआ होता पैर, अब ऐसा लग रहा है जैसे ना पैरों से सेक निकल रहा है, गर्म हुए पर, ठीक है, थोड़ी थोड़ी इचिंग हो रही है, एकदम ड्राई हो गए पैर, जितने पहले गीले थे और अभी ऐसा लगता है बड़े ड्राई और ना स्किन ड्राई हुई पड़ी है। सेकेंडरी एक्शन ऑफ द बॉडी उस ठंड के अगेंस्ट। अ पर्सन हीटेड बाय वायलेंट एक्सरसाइज, कोई बहुत ही वायलेंट एक्सरसाइज करता है उससे गर्माइश आई हुई शरीर में, प्राइमरी एक्शन इज आफ्टरवर्ड्स अफेक्टेड विद चिलीनेस एंड शिवरिंग। कुछ देर के बाद उसी पेशेंट को, उसी इंसान को ठंड लगनी शुरू हो गई। बड़ी बार हम गर्मियों में देखते हैं गर्मी क्या है, बहुत पसीने में, यार पंखा चला दो पंखा चला दो, पंखा चला देते हैं, थोड़ी थोड़ी देर ही निकलती है, जैसे जैसे पसीना थोड़ा सूखता है ना ऐसे लगती है थोड़ी ठंड हो गई, पंखा थोड़ा कम कर दो, ठंड लग रही है, ठीक है ना। दिस इज द सेकेंडरी एक्शन ऑफ द बॉडी टू वन हु वाज यस्टरडे हीटेड बाय ड्रिंकिंग मच वाइन। कल किसी ने वाइन पी, उसके बाद अंदर गर्माइश आ गई, हीट आ गई उसके अंदर, प्राइमरी एक्शन किया वाइन ने। टुडे एवरी ब्रेथ ऑफ एयर फील्स टू कोल्ड, आज उसको ना हर छोटी सी हवा जो आती है ना उसको ठंडी लगती है। आज बेचारा कल तो बोला कि वाइन पी के बोला ना कपड़े उतार दो कपड़े उतार दो, आज सुबह से दो स्वेटर डाल के बैठे, तो ठंड लग रही है, बंद कर दो सब कुछ। दिस इज द काउंटर एक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कंट्री एक्शन। An arm that has been kept long in very cold water, ठंडे पानी में हाथ बहुत देर रखा, is at first much paler and colder, उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा पेल हो गया, ठंडा हो गया इस हाथ से दूसरे हाथ से, प्राइमरी एक्शन है। But removed from the cold water and dried, it subsequently becomes not only warmer than the other, but even hot, red and inflamed. ठीक है ना, उससे दूसरे हाथ से सिर्फ गर्म नहीं होगा ज्यादा, बड़ी बार उसमें रेडनेस भी आ जाएगी, थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन भी आ जाएगी, ठीक है, उससे जो फ्रॉस्ट बाइट में होता है, ठीक है, वो बाद में होता है सेकेंडरी एक्शन। एक्सेसिव वाइवेसिटी फॉलोज द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफी, जिसने स्ट्रॉन्ग कॉफी ली बड़ी उसमें अंदर से ना वाइवेसिटी आई हुई है, जोश भरा हुआ है अभी प्राइमरी एक्शन में, बट स्लगिशनेस एंड ड्राउजीनेस रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड। लेकिन बाद में क्या होगा, स्लगिशनेस या ड्राउजीनेस की स्टेट रहती है सब लंबे समय तक। If this be not always again removed for a short time by imbibing fresh supplies of coffee, और इसको दूर करने के लिए फिर दोबारा fresh बना के कॉफी थोड़ी सी पीनी पड़ती है अगेन, तो फिर वो जो drowsiness है lethargy हो जाती है। After the profound stupefied sleep caused by opium, ठीक है, stupefied sleep caused की opium ने, एक ऐसे बंदे में जिसको नींद नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी उसने opium ली, opium के बाद stupefied sleep आई, ठीक है, ऐसे जैसे कोई बेहोशी में पड़ा होता, होश नहीं। The following night will be all the more sleepless, जो अगली रात आएगी बहुत स्लीपलेस हो जाएगी, ठीक है ना, मोस्टली होता है इवन जो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, क्यों बोलते हैं स्लीपिंग पिल्स लग गई इंसान को, इसी वजह से लगती है, ये कारण है उसका। सेकेंडरी जिस दिन को छोड़ना शुरू करेगा बॉडी का सेकेंडरी रिएक्शन शुरू हो जाएगा, He will feel more sleepless. पहले तो दो घंटे अपने आप आ जाती नहीं, अभी तो दो घंटे भी नहीं आती।
और धीरे धीरे वो स्लीपिंग पिल है उसकी अमाउंट इंक्रीज होती जाती है, ठीक है ना। पहले जी स्लीपिंग पिल के साथ भी 6 घंटे नहीं रहते, अभी 4 घंटे आती है, 2 घंटे आती है, और वो डॉक्टर बोलता है कि तू डोज बढ़ा ले अपने। आफ्टर दी कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस्ड बाय ओपियम, ओपियम किसी ने ली उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो गया, ठीक है, किसी को डायरिया लगा था, ओपियम ली गई डायरिया के लिए और कॉन्स्टिपेशन हो गई प्राइमरी एक्शन में, और जैसे ही उसका असर खत्म हुआ द डायरिया एनसीयूज, ठीक है ना, डायरिया फिर से शुरू हो गया। आफ्टर परगेशन विद मेडिसिन दैट इरिटेट द बाउल, कॉन्स्टिपेशन ऑफ सेवरल डेज ड्यूरेशन एनसीयूज, या फिर किसी को कॉन्स्टिपेशन ऑलरेडी हुई है उसको परगेटिव दिए, लैक्सेटिव दिए, ये भी बड़ी कॉमनली देखने को मिलता है, लैक्सेटिव दिए तो तब तो हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद जो कॉन्स्टिपेशन है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, जब पहले 1 दिन के गैप के बाद आ जाती है, 4 दिन के गैप के बाद सेकेंडरी एक्शन ऑफ द वाइटल कॉर्ड। एंड इन लाइक मैनर इट ऑलवेज हैपेंस आफ्टर द प्राइमरी एक्शन ऑफ अ मेडिसिन दैट प्रोड्यूसेस इन लार्ज डोजेस अ ग्रेट चेंज इन हेल्थ ऑफ द हेल्दी पर्सन, ठीक है, क्या होता है। एंड इन लाइक मैनर इट ऑलवेज हैपेंस आफ्टर द प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन दैट प्रोड्यूसेस इन लार्ज डोजेस अ ग्रेट चेंज इन द हेल्थ ऑफ अ हेल्दी पर्सन, इट इज एग्जैक्ट ऑपोजिट व्हेन as has been observed there is actually such a thing is produced in the secondary action by the white blood cells. So, ki jahan pe bhi hame ye cheez dekhne ko milega ki large doses ke sath kisi na kisi cheez ka primary action diya gaya hai, theek hai na, kisi na kisi cheez ko theek karne ki koshish ki gayi hai, uska vice versa, uska exact opposite action us insaan mein dekhne ko milega, theek hai na, jab hamari white blood cells secondary action produce karegi to। कुछ एग्जाम्पल है उस चीज के, एक मिनट रहा हूं। Aphorism 66. An obvious antagonistic secondary action, however, is, as may readily be conceived, not to be noticed from the action of quite minute homeopathic doses. मतलब एक obvious antagonistic secondary action, बिल्कुल opposite antagonistic, antagonistic मतलब बिल्कुल opposite secondary action, जैसे कि हमें अभी तक समझ में आ गया होगा, as may readily be conceived, not to be noticed, यह हमें देखने को नहीं मिलता किसके साथ, homeopathic doses के साथ। जब माइन्यूट होम्योपैथिक डोजेस का एक्शन होता है पेशेंट के ऊपर, फिर हमें ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। ऑफ द डीरेंजिंग एजेंट्स ऑन द हेल्दी बॉडी, अ स्मॉल डोज ऑफ एवरी वन ऑफ देम सर्टेनली प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी एक्शन। अरे ऐसे नहीं भी प्राइमरी एक्शन होता नहीं होम्योपैथिक का, नहीं, जब हम एक स्मॉल डोज देते हैं बोल रहे को होता ही होता है उसका एक्शन। मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जाम्पल भी दी थी एक पेशेंट की, अगर बीच में हमारा कनेक्शन कट हो गया होता, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, एक पेशेंट आए थे लूज मोशन लगे हुए, उनको देखे उनके सिम्टम्स वगैरह, उनको मेडिसिन दी, तो मेडिसिन ली घर पे चले गए वो, ठीक है ना, उनको पहले एसिडिटी थी, हमने कोई एंटासिड वगैरह ले, उसके बाद लूज मोशन शुरू हो गए बड़े, तो मेडिसिन दी उनको घर पे चले गए। अराउंड आधा घंटा हुआ होगा वो गए हुए कि वाइफ का फोन आ गया जी, ना लूज मोशन बढ़ गए थोड़े, ठीक है ना, कि जैसे पहले तो आधे पौने घंटे के बाद में आता था मोशन, अभी तो 15 मिनट के या 10 मिनट के गैप पे 2-3 बार हो गए, तो उन्होंने कोई वेट करो, आप थोड़ा ओ आर एस पाउडर वगैरह देते रहो, फ्यूज वगैरह देते रहो, चलो उन्होंने वेट की, उनका फोन पता नहीं उस दिन आया कि, देन आई थिंक नेक्स्ट डे उन्होंने फिर कॉल किया कि ही इज कम्प्लीटली बेटर, कोई एसिडिटी नहीं, कोई लूज मोशन नहीं आएगा उनको, उसके बाद बोले गए 2-4 और मोशन आए, फिर उसके बाद वो बंद हो गया, ठीक है ना। सो जब भी हम मेडिसिन देते हैं, चलो ये तो अभी हेल्दी कंडीशन में बात कर रहे हैं ना, लेकिन डिजीज कंडीशन में भी एक छोटा सा प्राइमरी एक्शन तो आता ही आता है। द थिंग इज दैट परसेप्टिबल टू अस सफिशिएंटली अटेंटिव ऑब्जर्वर, अगर हम या पेशेंट अटेंटिव ऑब्जर्वर है तो हमें वो चीज दिख जाती है,
है ना, अ स्मॉल डॉल ऑफ एवरी वन ऑफ देम सर्टेनली प्रोड्यूस अ प्राइमरी एक्शन, ठीक है ना, प्राइमरी एक्शन भी प्रोड्यूस करेगा करेगा, उसके बिना तो क्योर पॉसिबल है नहीं प्राइमरी एक्शन प्रोड्यूस किए बिना, और ये भी नहीं कि वो करेगा नहीं, करेगा ही करेगा प्राइमरी एक्शन को. That is perceptible to a sufficiently attentive observer. But the living organism employs against it only such much reaction. लेकिन जो स्कैंड रिएक्शन आता है वो इतना सही आता है as is necessary for the restoration of the normal condition. नॉर्मल कंडीशन की रिस्टोरेशन के लिए जितना स्कैंड रिएक्शन चाहिए उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा उसमें. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम होम्योपैथिकली दे रहे हैं, एंटीपैथिकली नहीं दे रहे, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम उसके साथ ही चल रहे हैं. इसके साथ में वो पुरानी बात अपनी साथ में लगानी है. कौन सी बात? लॉ ऑफ थेरापेटिक क्योर, ठीक है ना, हमारा नेचर लॉ थेरापेटिक क्योर है, उसकी साथ में लगानी है कि क्योंकि हमारी मेडिसिन सिमिलर है और स्ट्रॉन्गर है तो उसको रिप्लेस कर देती है जो ओल्डर डिजीज. वहां पे क्या है कि द इफेक्ट और द मेडिसिन जो एक मेडिसिन डिजीज हो रही है प्रॉब्लम, वो एंटी है, ऑपोजिट है, डिससिमिलर है उसको, तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकती हो. आएगा आगे फॉर एग्जाम्पल 69 में ये बात करते हैं. These incontrovertible truths, incontrovertible, इतनी बोलेंगे मैंने लॉजिक दे दी, इतनी एग्जाम्पल दी, तो इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी तो बनती है इन सच्चाई के ऊपर, ठीक है ना, which spontaneously offer themselves to our notice in nature and experience, जो हमें दिखाई देती हैं नेचर में, एक्सपीरियंस में हमारे, explain to us the beneficial action that takes place under homeopathic treatment. उन्हें अपने आप में बताता है हमें कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर हमें कितना बेनिफिशियल ट्रीटमेंट मिलता है. Whilst on the other hand, एक मिनट है, स्क्रीन हो रही है ना शेयर? हाँ जी सर, ठीक है. तो बोलो कि हमें इन सब चीजों से, इन सब एग्जांपल से पता लगता है कि हमारे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में कितना बेनिफिशियल एक्शन मिलता है. व्हाइल्स ऑन द अदर हैंड दे डेमोंस्ट्रेट द परवर्सिटी ऑफ द एंटीपैथिक एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट. और बोलते दूसरी साइड में जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन की बात समझ जाते, इस सच्चाई को समझ जाते हैं कि बॉडी हमारी के, तो वहां से पता चलता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सिमिलियस मेडिकल सेंटर से जो दिया गया ट्रीटमेंट है, ठीक है ना, और हमें कुदरत और एक्सपीरियंस से ये चीज सीखने को मिलती है, तो उसका एक बेनिफिशियल एक्शन होता है. और जो एंटीपैथिक है, इसके उलट है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट है, उसकी परवर्सिटी क्या है, वो कितना नुकसान कर सकता है शरीर के ऊपर. एंड दे डेमोंस्ट्रेट द परवर्सिटी ऑफ द एंटीपैथिक एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस विद एंटागोनिस्टिकली एक्टिंग, ठीक है ना, ऐसी रेमेडी जो कि एंटागोनिस्टिकली एक्ट कर रही है, उनका कितना गलत हमारे ऊपर असर हो सकता है उसके बारे में भी इसे पता चलता है. फुटनोट टू एफोरिज्म 67, एफोरिज्म 67 का एक फुटनोट है. ओनली इन द मोस्ट अर्जेंट केसेस, ऐसे केसेस जहां पे जान जा रही है, बहुत अर्जेंट केस है, वे डेंजर टू लाइफ एंड इमिनेंट डेथ, अलाउ नो टाइम फॉर रिएक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी. बंदा जा रहा है, हाथ से जा रहा है, वहां पे होम्योपैथिक रेमेडी के काम करने का कोई है नहीं चांस अभी, जहां पे हमारे पास घंटे नहीं है, नॉट आवर, समटाइम्स नॉट इवन क्वार्टर आवर एंड स्कार्सली मिनट, सिर्फ हमारे पास कुछ मिनट ही है, चंद मिनट है उसको बचाने के लिए. कैसे? अभी ये ध्यान से सुनना है इसके बारे में, क्योंकि फिर इसके बारे में और आगे चलेंगे. इन सडन एक्सीडेंट, जहां पे कई एक्सीडेंट हो गया था, अकरिंग टू प्रीवियसली हेल्थी इंडिविजुअल, एक इंसान था बिल्कुल हेल्दी था, उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सीडेंट हो गया. कैसा? फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छा ऐसा हुआ भी, एस्फिक्सिया हो गया उसको, किसी ने गला शरारत में ऐसा किया या फिर उसने ऐसा कुछ किया, एस्फिक्सिया हो गया उसको, एंड सस्पेंडेड एनिमेशन फ्रॉम लाइटनिंग, या फिर बिजली गिर गई उसके ऊपर, फ्रॉम सफोकेशन, किसी तरह की सफोकेशन, कोई किसी तरह की फ्रीजिंग, ड्राउनिंग, ऐसे कोई एक्सीडेंट हुआ उसके साथ,
एक्सेट्रा इज इट एडमिसिबल एंड जुडिशियस. वहां पे एडमिसिबल भी है और जुडिशियस भी है, करना भी चाहिए. एट ऑल इवेंट एज अ प्रिलिमिनरी मेजर टू स्टिमुलेट द इरिटेबिलिटी एंड सेंसिबिलिटी ऑफ द फिजिकल लाइफ. जो उसकी फिजिकल लाइफ है, वाइटल फोर्स को देखेंगे बाद में उस टाइम पे, लेकिन जो उसकी फिजिकल लाइफ है, ये जो फिजिकल बॉडी है, उसकी इरिटेबिलिटी और सेंसिबिलिटी को स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी है. क्यों करना जरूरी है? क्योंकि बिना सेंसिबिलिटी के या इरिटेबिलिटी के तो बाकी की कोई दवाई भी कैसे काम करेगी जब वही नहीं है. होम्योपैथिक मेडिसिन में भी फिजिकल पार्ट ही काम करना ना, तो उस फिजिकल लाइफ की जो इरिटेबिलिटी और सेंसिबिलिटी वो बड़ी जरूरी है. तो समटाइम्स इन सच कंडीशन, जहां पे ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया किसी के साथ, देन इट इज एडमिसिबल एंड जुडिशियस टू स्टिमुलेट द इरिटेबिलिटी एंड सेंसिबिलिटी विद अ पैलिएटिव. एज फॉर इंस्टेंस अभी एग्जाम्पल भी दिए, कैसा विद जेंटल शॉक, किसी तरह का कोई जेंटल शॉक देना पड़े उसको, या विद क्रिस्टल ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफी, बिजली गिरी एकदम शॉक में गया उसको स्ट्रॉन्ग कॉफी दे दो एकदम, उसका उल्टा एक्शन है. विद अ स्टिमुलेटिंग ऑर्डर, ठीक है ना, कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेटिंग ऑर्डर उसको समझाई जाए, या ग्रेजुअल फ्रीजिंग में चला गया उसको ग्रेजुअली एप्लीकेशन दी जाए कीट की, उन कंडीशन में एक्सेट्रा, ऐसा कोई ना कोई हम एंटीपैथिक ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं. When this stimulation is effective, जब ये stimulation effect हो गई, उसने अपना काम कर दिया, the play of the vital organs against bone zone, जो vital organs का play है, ठीक है ना, उनका काम करना है, उनकी जो functioning है दोबारा शुरू हो जाती है. कैसी शुरू होती है? Goes on in its former healthy manner, जैसे कि पहले उसके former healthy manner में हुई थी. क्यों? क्योंकि वहां पर कोई डिजीज नहीं थी, वो तो एक्सीडेंट हुआ उसके साथ. For there is here no disease, यहाँ पे कोई डिजीज है ही नहीं एक्चुअल में, लेकिन ऐसा एक्सीडेंट हुआ जहां पे उसकी जान को एकदम से खतरा हो गया, किसी के ऊपर बिजली गिर गई, किसी का गला घोंट दिया, कोई ड्राउन होने लगा, ठीक है ना. अब ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो ब्रैकेट में है. एंड येट द न्यू सेक्ट, तो बोला कि एक नया सेक्ट आ गया, एक नई सोच के लोग आ गए हैं, दैट मिक्सेस द टू सिस्टम अपील्स टू दिस ऑब्जर्वेशन. इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर बोले मैंने लिख दी थी, इसलिए वो जो सेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो दोनों सिस्टम को अभी मिक्स कर रहा है. कैनेमन सर ने लिखा हुआ है, देखो कि आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे सकते हो, डो इन वेन, फायदा कोई नहीं उस चीज का, नुकसान होता है, फायदा कोई नहीं है, लेकिन कर रहे हैं इन ऑर्डर दैट दे मे हैव एन एक्सक्यूज. क्यों कर रहे हैं? ताकि उनके पास एक्सक्यूज हो फॉर एनकाउंटरिंग एवरीवेयर सच एक्सेप्शन टू द जनरल रूल एंड डिग्री. और उन्होंने हर जगह पे ऐसे बहाना बना के कि हनीमन सर ने ऐसा लिख लिया मैंने, तो उस चीज को जस्टिफाई करके उसको दे रहे हैं. And to justify their convenient employment of allopathic palliative. और इस चीज के साथ वो जस्टिफाई कर रहे हैं, देखो जी उसको पेन बहुत थी ना, इसलिए मैं पेन के लिए हनीमन सर ने बोला कि एक्सीडेंट कोई जहां पे जान जा रही है, ठीक है ना. तो टू जस्टिफाई देयर कन्वीनियंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ एलोपैथिक पैलिएटिव एंड ऑफ अदर इंजूरियस एलोपैथिक ट्रैश डिसाइड, और भी बड़े तरह के एलोपैथिक ट्रैश, ठीक है ना, कूड़ा कर कर वो दे रहे हैं इसी बात के ऊपर. सोली क्यों दे रहे हैं? फॉर द सेक ऑफ स्पेयरिंग देमसेल्फ द ट्रबल ऑफ सीकिंग फॉर द सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी, ताकि उनको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ेगी वे होम्योपैथिक रेमेडी ढूंढने के लिए. फॉर ईच केस ऑफ डिजीज, हर केस के लिए अलग अलग दवाई ढूंढनी पड़ती है, और उस सब झंझट से बचने के लिए वो ये सब कर रहे हैं. आई माइट ऑलमोस्ट से फॉर द सेक ऑफ स्पेयरिंग देमसेल्फ द ट्रबल ऑफ बीइंग होम्योपैथिक फिजिशियन, और इतनी भी कष्ट नहीं करना चाहते कि वो होम्योपैथिक फिजिशियन बन जाए, उससे भी बचने के लिए. एंड येट विशिंग टू अपीयर एज़, लेकिन विश करते हैं कि मेरे को होम्योपैथिक फिजिशियन कहा जाए, नाम मेरा होम्योपैथ होना चाहिए, लेकिन उतनी मेहनत नहीं करनी मैंने, उस मेहनत से बचने के लिए ये सब चीजें हो कर रहे हैं. देयर परफॉर्मेंसेस आर ऑन अ पार विद द सिस्टम जो परस्यू, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो वैसी ही है जैसे वो सिस्टम को परस्यू कर रहे हैं. They are nothing to post. उसके बारे में कोई बात ही नहीं की जा सकती, कोई रिजल्ट नहीं है उनके पास, इसलिए उसके बारे में कोई बात नहीं की जा सकती, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा जो ब्रैकेट्स में था वो खत्म हो गया. अब बात एक बार फिर से पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है ना. For there is here no disease to be removed. यहाँ पे कोई डिजीज नहीं है रिमूव करने वाली, बट मेयरली एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड सप्रेशन ऑफ द हेल्दी वाइटल फोर्स. एक सप्रेशन हो गई थी हेल्दी वाइटल फोर्स की उस एक्सीडेंट की वजह से, और वो हमने उस टाइम पे उन थोड़े से केसेस में उसको रिमूव कर दिया. तो दिस कैटेगरी बिलोंग वेरियस एंटीडोट्स टू सडन पॉइजनिंग. अभी बोल रहे कि इसमें पॉइजनिंग भी आ जाती है,
और उसके एंटीडोट्स, ठीक है ना, जैसे एल्कलीज फॉर मिनरल एसिड, हिपर सल्फ्यूरिस फॉर मेटालिक पॉइजन, कॉफी एंड कैम्फर एंड एपिका कुना फॉर पॉइजनिंग बाय ओपी, ऐसे कोई एक्सीडेंट हो गए पॉइजनिंग के, वहां पे भी इस चीज को यूज किया जाता है। अब ये पार्ट थोड़ा सा अलग है, इट डज नॉट फॉलो दैट अ होम्योपैथिक मेडिसिन हैज बीन इल सिलेक्टेड फॉर अ केस ऑफ डिजीज, बिकॉज सम ऑफ द मेडिसिनल सिम्टम्स आर ओनली एंटीपैथिक टू सम ऑफ द लेस इंपॉर्टेंट एंड माइनर सिम्टम्स। कोई केस है, ये एक अलग बात है वो पहले वाले से, ठीक है, लेकिन इसी फुटनोट में दी गई। एक केस है होम्योपैथी का, उसमें हम क्या करते हैं, सिमिलर सिम्टम्स का एंटर, हम मेडिसिन देते हैं जो कि सिमिलर सिम्टम्स के साथ मैच करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हैं जो उसकी सिमिलर नहीं है लेकिन उसके ऑपोजिट है, जैसे कि हमारा बाकी का सारा केस मैच कर रहा है ओपियम के साथ, ठीक है ना, हमें पता है कि ओपियम लग रहा है, जितने भी मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है उसके ओपियम जैसे, लेकिन उसमें थोड़ी पेनफुलनेस है सिम्टम को लेकर, जबकि हमें ओपियम को पता भी है तो पेनलेसनेस था उससे, उसमें तो यहाँ पे हमें थोड़ा रिजर्व पेन महसूस करता है, लेकिन इट इज नॉट अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक थिंग, कभी होता है कभी नहीं भी होता है, ऐसा सिम्टम है, ठीक है ना, दे आर लेस इंपॉर्टेंट एंड माइनर सिम्टम, एक माइनर सिम्टम है, ठीक है ना बोलो, लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आपको जो उसके कैरेक्टरिस्टिक और पिकुलर सिम्टम बता रहे कि ओपियम है, तो यू हैव टू गिव ओपियम टू दैट, चाहे वो छोटे छोटे जो सिम्टम है उसके साथ नहीं भी सिमिलर है या उसके एंटीपैथिक भी हैं। इफ ओनली द अदर द स्ट्रॉन्गर वेल मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड पिकुलर सिम्टम ऑफ डिजीज आर कवर्ड, ठीक है ना, ये अगर कवर हो रहे हैं एंड मैच्ड बाय द सेम मेडिसिन विद सिमिलरिटी ऑफ सिम्टम्स, दैट इज टू से overpowered and destroyed and extinguished, बोलते कि जो antipathic symptom है वो भी चले जाते हैं, main तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन जो few opposite symptom है they also disappear of themselves after the expiry of the term of action of the medicament without retarding the cure in the least, okay? ऐसे symptom बड़ी बार create हो जाते हैं, बहुत few होते हैं, बहुत rare होते हैं, अलग तो हो सकते हैं लेकिन एक बिल्कुल ही opposite हो जाना medicine में, ठीक है ना, बड़ी बार हमारे दिमाग में भी आता है यार हो सकता है कि नहीं, लेकिन द करेक्टरिस्टिक सिम्टम पॉइंट की नहीं, ये दवाई यही मेडिसिन है, ठीक है ना, हमने शायद पहले भी एक बार बात की है कि बाकी सारे सिम्टम उसके पल्स से डला जाते हैं, वो ओपन रूम की एमलरेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन हमें लग रहा है थोड़ा सा जल्दी है, हल्का सा जल्दी है, थोड़ा है इसमें भी, ये नहीं बात नहीं मानता, बात अच्छे से मानता, लेकिन थोड़ा सा जिद्दी है, थोड़ा सा, ठीक है ना, या उसमें कोई बिल्कुल एक एंटी पे के पल्सर लगो, ठंडी चीजें अच्छी लगती है लेकिन थोड़ी गर्म भी खा लेता कभी कभी, सो दिस डज नॉट शो, अगर ये बड़ा माइन्यूट है, अगर बड़ी छोटी सी चीज है लेकिन भक्ति के सब कैरेक्टरिस्टिक उसको मैच कर रहे हैं, तो वहां पे पल्सर लग देनी चाहिए, देनी है, क्योंकि ऐसे सिम्टम आ सकते हैं बीच में, they can be due to some other causes, they can be due to some kind of acute miasm ka koi remnant reh gaya, wo badi bar aisa bhi hota hai ki koi bukhar chala tha usme kuch symptom aaye, wo bach gaye reh gaye wo, jab isko bukhar hua na jiska garam cheeze khane ko man karta tha, bukhar to ho gaya theek hai, wo symptom chale gaye lekin wo jo remnant symptom wo reh gaye piche, abhi bhi thoda sa garam khane ko man karta hai uska, zyada nahi lekin chalta hai usko, man karta kabhi kabhi, kabhi kabhi karta lekin karta, तो ऐसे रेमनेंट सिम्टम ऑफ एक्यूट में अगर भी कभी कभी रह जाते हैं, लेकिन बात मेन यहाँ पे है कि अगर एंटीपैथिक सिम्टम है भी, एक ऑपोजिट सिम्टम वहां पे पड़े भी हैं लेकिन फ्यू हैं और कोई उनकी ज्यादा करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इट इज ओके टू गिव द मेडिसिन, यहाँ पे हनुमान सर हमें ये बताना चाहते हैं। इन होम्योपैथिक क्योर दे शो अप दैट फ्रॉम द अनकॉमनली स्मॉल डोजेस ऑफ मेडिसिन रिक्वायर्ड इन दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट which are just sufficient by the similarity of their symptoms to overpower and remove the similar nature disease, there certainly remains after the destruction of the latter at first a certain amount of medicinal value. Okay, जब होम्योपैथिकली हम क्योर करते हैं हमें क्या देखने को मिलता है, हम अनकॉमनली स्मॉल डोजेस दे रहे हैं दवाई की, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डोजेस दे रहे हैं जो कि ट्रीटमेंट में रिक्वायर्ड भी है, हम लार्ज डोज नहीं देते, लेकिन वो जो डोज है दैट इज सफिशियंट बाय द सिमिलरिटी ऑफ सिम्टम्स, क्योंकि सिम्टम्स की सिमिलरिटी तो वो सफिशियंट है, ये चीज के लिए सफिशियंट है टू ओवर पावर एंड रिमूव द सिमिलर नेचर, ताकि जो सिमिलर नेचर की डिजीज उसको ओवर पावर कर जाए और उसको रिमूव कर दे,
लेकिन रिमूवल के बाद भी क्या होता है, देयर सर्टेनली रिमेन आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेटर, वो डिजीज चली जाती है जब नेचर नेचुरल डिजीज चलेगी, उसके बाद भी क्या रह जाता है, एट फर्स्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेडिसिनल डिजीज, हल्की मेडिसिनल डिजीज वहां पे रहती है अलोन इन द ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हनीमन सर ने अपने कैंट सर ने भी अपनी एक ऑब्जर्वेशन में दिया हुआ है, इसके बारे में जब हमने कल बात की थी कि बड़ी बार जब हम दवाई देते हैं कोई ना कोई एक नए या दो सिम्टम्स आ जाते हैं, होता है ऐसा कभी कभार हो जाता है, हमने दवाई दी लेकिन कुछ एक दो न्यू सिम्टम अपियर हो गए उसमें, नॉट ऑफ मच ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ लेस इंटेंसिटी लेकिन आ गए। उसमें दो है, या तो ये मेडिसिनल सिम्टम, ये जो हम बात कर रहे हैं मेडिसिनल डिजीज, ठीक है ना, मेडिकल डिजीज क्रिएट की उसने अपने भी जो दवाई के एक दो सिम्टम्स है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट था नौशिया वगैरह के लिए आया, तो हमने जो भी उसके क्यूर के में उसने इपिकार्ड दे दी उसको, ठीक है ना, इपिकार्ड से वो सब ठीक हो गया, लेकिन उसको रैचिंग नहीं थी, ठीक है ना, या उसको हिकअप्स नहीं आते थे, लेकिन स्लाइटली उसको हल्का हल्का ऐसा होना शुरू हो गया, ये पहले था या नहीं, जी पहले तो नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम है अभी शुरू हुई है दवाई के बाद, ठीक है, अगर मेडिसिनल सिम्टम होंगे मेडिसिनल डिजीज के, वो अपने आप एक दो दिन में चले जाएंगे, कुछ घंटों में वो चले जाएंगे, बट ऑन अकाउंट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइन्यूटनेस ऑफ द डोज, क्यों चले जाएंगे, क्योंकि हमारी जो डोज है उसकी माइन्यूटनेस ही बहुत कम है, ठीक है ना, माइन्यूट है बड़ी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइन्यूट है, वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइन्यूट है कि साइंटिस्ट ढूंढ ढूंढ के थक गए कि इसमें तो हमें कुछ मिल ही नहीं था, उन्होंने बेचारों ने हार के बोल दिया ये तो प्लास्टिक हुई है, फिर हार्टेक में कोई नहीं समझ आई कि चलो मान लो प्लास्टिक है, पहले एक दो पॉइंट कि प्लास्टिक है जी, तो मैं ठीक कर रही है, हाँ जी कर रही है, तो फिर आप बिना सीख लो प्लास्टिक को कैसे देखते हैं, मेन तो पेशेंट को ठीक करना है ना, तो प्लास्टिक को बिना सीख लो, दैट मीन्स एज होम्योपैथ वी नो हाउ टू गिव प्लास्टिक, तो कोई मुश्किल काम नहीं, दवाई देना मुश्किल काम है, प्लेसिबो देना तो बहुत आसान काम है, सीख लो उसको। दूसरी चीज, अगर ये प्लेसिबो है तो जो लोग कोमा में पड़े हैं, अनकॉन्शियस है, एक कॉन्शियस स्टेट में नहीं है, बच्चे आते हैं ऑटिज्म में, कोई मेंटल रिटार्डेशन में, कोई डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, ठीक है ना, बच्चे जिनको होश ही नहीं है कि भी क्या चल रहा है, कोई पेशेंट ऐसे हैं जो कोमा में, तो वहां पे प्लेसिबो कैसे काम करता, उनको तो पता भी नहीं है कोई दवाई चलाई हुई लगाई हुई है, उन पे दवाई फिर कैसे काम कर रही, इसका नहीं है जवाब फिर हमारे पास। या कोई साइकेट्रिक केसेस है जो मेडिसिन नहीं लेना चाहते, मेरे को नहीं चाहिए, मैंने नहीं लेनी दवाई, या स्किज़ोफ्रेनिक है, वो शक करते हैं दवाई देंगे मेरे को या कुछ कर देंगे मेरे को, उनको जब छुपा के दवाई दी जाती है उनके ऊपर कैसे काम कर जाती है। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड के मेडिसिन एक एनर्जी या वेव की फॉर्म में भी काम कर सकती है, ये सोच आती है कि मटीरियलिस्टिक इंसान के दिमाग में जो इंसान मैटर से जुड़ा हुआ है, हम नहीं मानते, और असल में क्या होता है कि ये बोलने के लिए कि मैं नहीं मानता किसी भी चीज को, हमें पहले उसके बारे में फिर से बात करनी पड़ती है, अगर हम बोलेंगे होम्योपैथी को मैं नहीं मानता, तो होम्योपैथी का नाम तो फिर लेना ही पड़ेगा, और नाम लेने में ही मानता होती है बेसिकली, जब आप किसी चीज का नाम ले रहे हो तो उसका मतलब है कि आप मान रहे हो उस चीज को, उसकी एग्जिस्टेंस को मान रहे हो, तो ये फिर और गहरी चीज हो जाती है उनके साथ बेचारों के साथ, ठीक है, क्योंकि टू डिबंक यू हैव टू बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ देम कि ऐसी कोई चीज है, तो ही आप डिबंक करोगे ना उसको, ठीक है। चलो अब होता क्या कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइन्यूट है हमारी डोज, इतनी माइन्यूट है, तो उस माइन्यूटनेस की वजह से वो जो डिजीज का अगर कोई सिम्टम आ भी जाता है या मेडिसिनल डिजीज रहती भी है, वो अपने आप, इट इज सो ट्रांजिएंट, सो स्लाइड, इतनी स्लाइड होती है, इतनी ट्रांजिएंट होती है, इतनी छोटे के लिए समय के लिए होती है, एंड डिसअपीयर्स सो रैपिडली ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड, और अपने आप ही वो डिसअपीयर हो जाती है बिकॉज ऑफ द माइन्यूटनेस, दैट द वाइटल फोर्स हैज नो नीड टू एम्प्लॉय, वाइटल फोर्स को जरूरत ही नहीं पड़ती अपना कोई जोर लगाने के लिए अगेंस्ट दिस स्मॉल आर्टिफिशियल डीरेंजमेंट ऑफ इटसेल्फ एनी मोर कंसिडरेबल रिएक्शन, उसको कोई भी कंसिडरेबल रिएक्शन देना ही नहीं पड़ता उसके अगेंस्ट, देन विल सफाइस टू एलिवेट इट्स प्रेजेंट स्टेट ऑफ हेल्थ, चलो उतनी सी उसको एफर्ट करनी पड़ती है कि उसके में
एमल्रेशन आ जाएगा, एक प्रेजेंट स्टेट ऑफ जो हेल्थ है वो एक हेल्दी पॉइंट तक पहुंच जाए, इट्स प्रेजेंट स्टेट ऑफ हेल्थ अप टू दी हेल्दी पॉइंट, वहां तक पहुंचा जाती है. दैट विल सफाइस टू अफेक्ट अ कंप्लीट रिकवरी, मतलब कि वो एक कंप्लीट रिकवरी उसमें प्रोड्यूस कर देती है, फॉर विच आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ द प्रीवियस मॉर्बिड डीरेंजमेंट बट लिटिल एफर्ट इज रिक्वायर्ड. वो जो एक नेचुरल डिजीज थी जब वो निकल ही गई शरीर में से, तो मेडिकल डिजीज को रिमूव करने के लिए तो वाइटल फोर्स को कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ता अपने स्कैंड रिएक्शन में, ठीक है ना, क्योंकि वो तो उसका एक रिएक्शन है, वो तो उसने देना ही नहीं. और जब उसकी तरह से देना है जहां पे वो हेल्थ की तरफ चली जाए तो उसको और ज्यादा उसको बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना पड़ता उस चीज के लिए. इन दी एंटीपैथिक पैलिएटिव मोड, एंटीपैथिक पैलिएटिव मोड है जब ट्रीटमेंट का, अभी इसके उल्ट जो हमने अभी 68 मोड रखा उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, उसके उल्ट है ये. क्या इन दी एंटीपैथिक पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट, हाउएवर प्रिसाइसली द रिवर्स ऑफ बोल रहे, इस चीज का बिल्कुल ही उल्ट होता है. उसमें क्या होता है, द मेडिसिनल सिम्टम जो उसमें मेडिसिनल सिम्टम आते हैं दवाई देने के बाद जो सिम्टम आते हैं, विच द फिजिशियन अपोजेस टू द डिजीज सिम्टम, क्यों आते हैं, क्योंकि वो डिजीज सिम्टम को अपोज करने के लिए यूज कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल द इनसेंसिबिलिटी एंड स्टुपिफेक्शन, ये जो इनसेंसिबिलिटी और स्टुपिफेक्शन है ये ओपीएम ने क्रिएट की है, ये एक डिजीज का या सॉरी एक मेडिसिन का सिम्टम है. क्यों है ये, ताकि वो जो उसकी पेन है उसको दूर किया जाए. कॉज्ड बाय ओपीएम इन इट्स प्राइमरी एक्शन टू एक्यूट पेन, प्राइमरी एक्शन में उसने क्या किया, ओपीएम में अंदर जाके इनसेंसिबिलिटी कुछ फील ही ना हो ऐसी स्टेट क्रिएट कर दी. इज सर्टेनली नॉट एलियन बोल रहे, लेकिन एलियन, एलियन का मतलब नॉट एलोपैथिक टू द लेटर, किसी और जगह पे नहीं हो रहा एक्शन उसका, ठीक है ना. वो पेन के ऊपर ही रहा है, वो उसी टिश्यू के ऊपर रहा है, वो नर्व के ऊपर ही रहा है उसका, लेकिन ऑपोजिट एक्शन होता है. होम्योपैथी में भी उसी पार्ट के ऊपर उसी टिश्यू के ऊपर एक्शन हो रहा है, लेकिन एक सिमिलर वे में हो रहा है, एक सिमिलरली होम्योपैथिक वे में हो रहा है, ठीक है ना, उसी उसी सिमिलैरिटी के साथ हो रहा है. यहाँ पे भी उसी टिश्यू और उसी पेन के ऊपर असर हो रहा है, लेकिन ऑपोजिट वे. एलोपैथी नहीं, इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि एलोपैथिक इज समथिंग डिफरेंट. एलोपैथिक क्या है कि बीमारी यहाँ पे है, असर किसी और ऑर्गन के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है ना, टिश्यू या कोई फंक्शनिंग की चेंज है वो किसी और ही ऑर्गन के ऊपर हो रही है, दैट इज एन एलोपैथिक और हिस्टोपैथिक वे. मैंने मैं फिर बोलता कि एटलीस्ट एंटीपैथिक में इतना तो है कि भी उसी एक्शन उसी सॉरी ऑर्गन या उसी नर्व या उसी टिश्यू के ऊपर एक्शन होता है, चाहे उल्टा होता है लेकिन होता वहीं पे. सो देयर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द मेडिसिनल सिम्टम टू द डिजीज सिम्टम. सो डिजीज का सिम्टम और मेडिसिनल सिम्टम में एक रिलेशन है. क्या रिलेशन है, डिजीज का सिम्टम पेन बढ़ाना, मेडिसिन का सिम्टम पेन कम करना, ये उनका वो बन गया, ठीक है ना, कि वाइटल फोर्स ने पेन बढ़ा दी, ओपीएम ने पेन कम कर दी. इधर पेन बढ़ रही है ओपीएम से, इनसेंसिबिलिटी आ रही है, तो उसी के ऊपर उसका काम हो रहा है. बट इट इज दी रिवर्स ऑफ व्हाट शुड बी, लेकिन उसका रिवर्स है, जैसा होना चाहिए उसका बिल्कुल रिवर्स है प्राइमरी एक्शन. इट इज हियर इंटेंडेड दैट द एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज सिम्टम, कि जो डिजीज सिम्टम है पेन है उसका एनिहिलेशन शैल बी अफेक्टेड बाय एन ऑपोजिट मेडिसिनल सिम्टम विच इज इम्पॉसिबल. कंपेयरिंग करके कि डिसिमिलर डिजीज प्रोड्यूस करके या डिसिमिलर स्टेट प्रोड्यूस करके उसको हम रिमूव ही नहीं कर सकते, ये तो एक इम्पॉसिबल काम था. हाँ, क्योंकि हमारी लार्ज जो है उसको थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर देती है उसको, लेकिन ये तो बिल्कुल एक इम्पॉसिबल काम है बोलते हैं कि डिसिमिलर या एक ऑपोजिट कंडीशन के साथ हम डिजीज को रिमूव कर दें, तो वे नहीं सकते. एनिहिलेशन इज नॉट पॉसिबल. No doubt, antipathically chosen medicine touches precisely the same disease point. उसमें कोई डाउट नहीं है, बोल रहे उसी डिजीज पॉइंट को छूती है एंटीपैथिकली चोजन मेडिसिन, जो कि पार्ट डिजीज है उसी को चूज करती है इन दी ऑर्गेनिज्म एज होम्योपैथिक मेडिसिन, जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन करती है चूजन ऑन द अकाउंट ऑफ सिमिलर अफेक्शन. लेकिन होम्योपैथिक में हम एक सिमिलर अफेक्शन के साथ उस पार्ट के ऊपर एक्शन करते हैं, वहां पे एक एंटीपैथिकली ऑपोजिटली चूजन मेडिसिन के साथ हम उस पार्ट पे अफेक्ट कर रहे हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि एंटीपैथी में भी उसी पार्ट के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, बट द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब एंटीपैथिक कवर द ऑपोजिट सिम्टम ऑफ द डिजीज, वो कवर करता है उसके ऑपोजिट स्टेट को, ऑपोजिट सिम्टम को ओनली एज एन ऑपोजिट एंड मेक्स इट अनऑब्जर्वेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम ओनली. हमें पेशेंट को, डॉक्टर को, ऑब्जर्वेंट को ऑब्जर्व नहीं होता कुछ समय के लिए,
So that in the first period of the action of the antagonistic palliative, the vital force perceives nothing disagreeable from either of the two. इसलिए क्या होता है जब दवाई दी जाती है तो वाइटल फोर्स कुछ भी डिसएग्रीएबल नहीं लगता. डिसएग्रीएबल मतलब एलोपैथी में क्या होता है, आपने किसी चीज के लिए दवाई दी, मैं बड़ी कॉमन एग्जांपल लेता हूँ सिट्राजिन के लिए, वो सिट्राजिन के लिए दे दी दवाई, क्या यार टीके लिए प्रेशर हो रही है उसके लिए दवाई दे दो. पेशेंट को पूछ के देखना कि हाउ दे फील आफ्टर सिट्राजिन, कोई अगर आपके पास है नोट तो पूछना गया डिसएग्रीएबल सेंसेशन. डिसएग्रीएबल के डलनेस आती है, उसने को मन नहीं करता. पेशेंट वांट टू डू थिंग्स, एक माइंड की स्टेट लथार्जिक बन जाती है, ठीक है ना. और वो अगर कॉन्टिन्यू रहे पेशेंट तंग होना शुरू हो जाता है, उसको एक डिसएग्रीएबल स्टेट बन जाती है बॉडी में. लेकिन एंटीपैथी में एटलीस्ट ऐसी डिसएग्रीएबल स्टेट नहीं बनती, क्योंकि वो उसी के ऊपर एक्शन कर रही है, नाइदर फ्रॉम द डिजीज सिम्टम नॉर फ्रॉम द मेडिसिनल सिम्टम. ना तो डिजीज सिम्टम से कोई डिसएग्रीएबल आती है उसको, ना ही मेडिसिनल के साथ, ठीक है ना. एज इट सीम गोज टू हैव म्यूचुअली रिमूव्ड एंड डायनेमिकली, क्योंकि ऑपोजिट है, ऐसे उनका हुआ टकराव हुआ तो कुछ समय के लिए अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना. दे हैव डायनेमिकली न्यूट्रलाइज्ड वन अनदर एज इट वर, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते. फॉर एग्जाम्पल द स्टूपिफाइंग पावर ऑफ ओपियम डज टू दिस टू द पेन. दवाई दर्द हो रही है, ओपियम दी गई, उसकी एक स्टूपिफाइंग पावर है, उसकी एक पावर है कि वो पेनलेसनेस क्रिएट करती है, इनसेंसिबिलिटी क्रिएट करती है, ठीक है ना. तो उसने जो सेंसिबिलिटी कुछ समय के लिए लो कर दी तो हमें पेन महसूस नहीं हो रही. इन द फर्स्ट मिनट द वाइटल फोर्स फील्स क्वाइट वेल. कुछ समय जो पहले कुछ मिनट है वाइटल फोर्स को बहुत अच्छे लगते हैं. एंड परसीव्स नाइदर द स्टूपिफेक्शन ऑफ द ओपियम नॉर द पेन ऑफ द डिजीज. ना तो उसको स्टूपिफेक्शन महसूस हो रही है अभी, ना ही उसको दर्द महसूस हो रहा, ठीक है ना. बट एज द एंटागोनिस्टिक मेडिसिनल सिम्टम्स कैन नॉट as in the homeopathic treatment occupy the place of the morbidity. But लेकिन क्योंकि antagonistic है, dissimilar disease है, ठीक है ना, तो वो उस disease की जगह तो ले नहीं सकते. वो medicinal symptom disease के symptom की जगह तो ले नहीं सकते क्योंकि antagonistic है, homeopathic तो है नहीं. तो क्या होता है, occupy the place of the morbid derangement present in the organism as a similar stronger artificial disease, ठीक है ना. तो similar stronger artificial डिजीज की तरह तो ले नहीं सकते जगह. एंड कैन नॉट देयरफॉर लाइक अ होम्योपैथिक मेडिसिन अफेक्ट द वाइटल फोर्स विद अ सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज, और ना ही वो वाइटल फोर्स को सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो एज टू बी एबल टू स्टेप इनटू द प्लेस ऑफ द ओरिजिनल नेचुरल मॉर्बिड डिरेंजमेंट. जो ओरिजिनल थी उसको रिप्लेस करने के लिए सिमिलर चाहिए, तो वो तो ये एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो क्या होता है, द पैलिएटिव मेडिसिन मस्ट एज अ थिंग टोटली डिफरेंट थिंग डिफरिंग फ्रॉम एंड द ऑपोजिट ऑफ द डिजीज डिरेंजमेंट लीव द लेटर अनरेडी. क्योंकि डिसिमिलर डिजीज है तो वो स्ट्रॉन्गर है, लेकिन स्ट्रॉन्गर का भी कुछ देर के लिए पैलिएटिव एक्शन है ना उसके ऊपर. तो क्या करती है, इट लीव्स द लेटर अनरेडिकेटेड. कुछ समय के लिए तो उसको अच्छा महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका असर खत्म होता है, इरेडिकेशन नहीं होती, एनिहिलेशन नहीं हो रही डिजीज की. क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो सिमिलर स्ट्रॉन्गर डिजीज नहीं है, वो एक डिसिमिलर है. स्ट्रॉन्गर तो है लेकिन एक डिसिमिलर, एक बिल्कुल ऑपोजिट है. इट रेंडर्स इट एज बिफोर सेड बाय अ सेमब्लेंस ऑफ डायनेमिक न्यूट्रलाइजेशन एट फर्स्ट अनफेल्ट बाय द वाइटल फोर्स. शुरू शुरू में वाइटल फोर्स को फील ही नहीं होता कुछ, बट लाइक एवरी मेडिसिनल डिजीज, लेकिन जैसे ही बाकी की मेडिसिनल डिजीज की होता है, इट सून स्पॉन्टेनियसली एक्सटिंग्विश्ड एंड नॉट ओनली लीव्स द डिजीज बिहाइंड, उसका असर खत्म हो जाता है कुछ समय के बाद. एंड नॉट ओनली लीव्स द डिजीज बिहाइंड जस्ट एज इट वाज, बट कंपेल्स द वाइटल फोर्स as it must like all palliatives be given in large doses in order to effect the apparent removal to produce an opposite condition to this palliative medicine. So, kya hota hai, jaise uska action khatam hota hai vital force ko phir secondary action mein jitna uske upar asar hua tha utni hi zyada effect ke sath ek opposite condition produce karni padti hai, the reverse of the medicinal action. Consequently the analog of still present, to pehle hi thi wahi symptom phir se बाहर निकल के आ जाते हैं अनडिस्ट्रॉयड, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुई उनमें. डिस्ट्रक्शन मतलब कि वो सिम्टम रिमूव नहीं हुए, वो सिम्टम डिस्ट्रॉय नहीं हुए. नेचुरल मॉर्बिड डीरेंजमेंट, वो जो नेचुरल मॉर्बिड डीरेंजमेंट थी वो फिर से वैसे निकल के आ गई, विच इज नेसेसरली स्ट्रेंथन, लेकिन अभी थोड़ी सी स्ट्रेंथन हो गई है वो एंड इंक्रीज बाय दिस एडिशन, और थोड़ी सी बढ़ भी गई है अभी पेन. अगर
पहले इतनी सी ओपियम से आराम आया था, अभी नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी ओपियम की डोज बढ़ानी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि अब डिजीज ज्यादा स्ट्रेंथन और इंक्रीज्ड कंडीशन में है. रिएक्शन अगेंस्ट दी पैलेटिव प्रोड्यूस्ड बाय दी वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स ने और अपना रिएक्शन दिया. द डिजीज सिम्टम, इतने बोलते कि किसी को मनाना हो ना तो प्यार से मनाया जा सकता है, गुस्सा ज्यादा देर या उसके विशेष के अगेंस्ट उसको मनाने की कोशिश ज्यादा देर काम होता है. एक नेचुरल फिनोमेना है, एक सिमिलर वे के साथ तो मनाया जा सकता है आराम से परमानेंट वे में, ठीक है ना. ये वाइटल फोर्स उसको थोड़ा सा प्यार के साथ ना कि देख ले हम भी तेरे जैसे काम करेंगे, लेकिन ये छोड़ दे इसको, जैसा तो कहेगी वैसे कर लेंगे, नहीं इसको छोड़ दो. ये क्या उसको दबकाना, उसको सप्रेस करना, धमकाना कितनी देर कर लेंगे, वो अपना फिर से रिएक्शन देगी वापस. द डिजीज सिम्टम, द सिंगल पार्ट ऑफ द डिजीज कॉन्सिक्वेंटली बिकम्स वर्स आफ्टर द टर्म ऑफ द एक्शन ऑफ द पैलिएटिव हैज एक्सपायर्ड. और इसलिए वो एनिमल का इतना बड़ा फुटनोट क्यों दिया, सब जा रहे हैं इस बात को कि आफ्टर द पैलिएटिव एक्शन हैज एक्सपायर्ड जो डिजीज है वो और वर्स हो के आएगी बाहर, हमेशा ये आपको देखने को मिलेगा. वर्स इन प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डोज ऑफ अ पैलिएटिव, जैसा कि पैलिएटिव का एक्शन था उससे भी वर्स प्रोपोर्शन में निकल के आए. अकॉर्डिंगली तो कीप टू द सेम एग्जांपल, इसी एग्जांपल को अगर हम लेते हैं आगे, अकॉर्डिंगली द लार्जर द डोज ऑफ द ओपियम गिवन टू एलिवेट द पेन सो मच मोर डज द पेन इंक्रीज. जितनी ज्यादा डोज हम देंगे ओपियम की उतनी ही ज्यादा पेन इंक्रीज होकर आएगी. बिल्कुल ही ऑपोजिट है, वहां पे होम्योपैथी में डोज ही नहीं मिलती जो देनी है, ठीक है, वहां पे कोई मैटर ही नहीं मिल रहा हमें, इतनी छोटी माइन्यूट डोज. वहां पे हमें एंटीपैथी में जब ऐसा कुछ देना पड़ता है उसकी उतनी ही ज्यादा डोज बढ़ा के देनी पड़ती है. सो मच दी मोर डज द पेन इंक्रीज बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी. ओरिजिनल इंटेंसिटी तो इतनी सी थी, अभी बढ़ के इतनी बड़ी कर दी. एज सून एज दी ओपियम हैज एग्जॉस्टेड एक्शन, और जैसे क्यों, जब भी ओपियम का एक्शन एग्जॉस्ट होगा वो जो पेन है वो अपनी ओरिजिनल इंटेंसिटी से कई गुना बढ़ के बाहर आए. तो दिस एमोरिजम बेसिकली हनुमान सर क्या बोलते हैं छोटा ब्रीफ में कि भाई एंटीपैथिक में ऑल दो वही सेम टिश्यू या वही सेम जो सिस्टम है उसी को कर रहा है वो इफेक्ट, उसमें इफेक्ट किसी और सिस्टम पे नहीं हो रहा, तो उसी पे रहा है लेकिन ऑपोजिट स्टेट में हो रहा है. क्योंकि ऑपोजिट स्टेट में हो रहा है एक डिसिमिलर डिजीज प्रोड्यूस हो रही है, तो सिमिलर को रिप्लेस तो कर नहीं सकती डिजीज को, ओरिजिनल डिजीज को, क्योंकि ओरिजिनल डिजीज कैन ऑनली बी रिप्लेस बाय अ सिमिलर स्ट्रॉन्गर फोर्स, तो डिसिमिलर स्ट्रॉन्गर फोर्स को रिप्लेस तो नहीं कर सकती. सो जस्ट पैलिएट, कुछ देर के लिए उसके ऊपर असर करती है, कुछ देर के लिए सिम्टम ठीक हो जाते हैं, जैसे ही उसका असर खत्म होता है तो द डिजीज इज मोर स्ट्रेंथन एंड मोर वर्सन. सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद द एंटीपैथिक ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन. ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन है इसकी वजह से ये जो स्टेट है ये प्रोड्यूस हो जाती है. होम्योपैथी में भी हम प्राइमरी और मुझे एक नेचुरल फिनोमेना है वाइटल फोर्स का या एक फोर्स का, इन जनरल फोर्स का ही लगा लो, ठीक है ना, ए फोर्स का ऐसे ही है, कोई भी फोर्स है कोई भी आप उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करोगे इट विल बी मोर टायरिंग थिंग. एक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स देनी इट इज अ मोर टायरिंग थिंग, इट इज अ मोर एनर्जी कंज्यूमिंग थिंग. और फोर्स के साथ फोर्स देनी उसमें एनर्जी नहीं लगती, ये तो हमेशा ही ऐसे होता है. अगर आपने चीज को ऊपर को फेंकना आपको उसमें जोर लगेगा, नीचे फेंकने में तो कोई जोर ही नहीं है, नीचे फेंकने के लिए कोई जोर ही नहीं है, आप तो उसी डायरेक्शन में काम करो जिस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रही है, ठीक है ना. तो सेम इज विद दिस फोर्स ऑल्सो, हम इसके अगेंस्ट काम करना शुरू करते हैं और जोर लगाने को बोलते हैं और जोर लगा के इतने से काम नहीं बनेगा, लेकिन इसके साथ चल पड़े इसके प्यार से समझा बुझा के होम्योपैथिकली एक सिमिलर प्राइमरी एक्शन दे दिया जाए इसको तो ये वैसा ही कर देने लग जाती है जैसा इसको बेसिकली फॉर्मेशन हुई है, इसकी जो फंक्शन है वो उसी चीज को ठीक कर देती है. सो इसके तीन फुटनोट ऐसे एफोरिज्म के, द फर्स्ट फुटनोट इज इन द लिविंग ह्यूमन बीइंग नो परमानेंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रेरी और एंटागोनिस्टिक सेंसेशंस कैन टेक प्लेस. बोले कोई भी लिविंग ह्यूमन बीइंग है उसमें न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सिम्टम कॉन्ट्रेरी के साथ या एंटागोनिस्टिक सेंसेशन के साथ कभी भी नहीं हो सकता. एज हैपेंस विद सब्सटेंसेस, एक्चुअली क्या था कि उस टाइम लोग ऐसे एग्जांपल देने शुरू कर दिए थे
ये देखो जी हमने ये दो अलग अलग केमिकल लिए, इनको जोड़ दिया और ये एक नया केमिकल बन गया, ठीक है। तो बॉडी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भी दो अलग अलग फोर्सेस को जोड़ दिया जाए और एक नई फोर्स तैयार हो जाए, ठीक है। उसी के बारे में इसमें जवाब दे रहे हो कि मैटर में ये चीज पॉसिबल है, डायनेमिक लेवल के ऊपर नहीं, ठीक है ना। डायनेमिक इसीलिए द फिजिक्स जो हम एक न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं जो मैटर के ऊपर काम करती है, एंड द क्वांटम फिजिक्स दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग है। जो मैकेनिक्स फिजिकल के लॉज हैं, न्यूटन के लॉ है, वो यहाँ पे काम ही नहीं करते, वो नहीं काम करते। अब पढ़ना कभी इसमें एक डिफरेंशिएशन नेट के ऊपर कहीं के डिफरेंट जो डिफरेंट लॉज हैं इसके, न्यूटोनियन फिजिक्स के और क्वांटम फिजिक्स के, इनके लॉज एक काम नहीं करते इसके मैकेनिकल फिजिक्स के क्वांटम के ऊपर, उसे करते हैं उल्टा है। क्वांटम वाले इधर काम कर जाते हैं, सब करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर करेंगे फिर, क्योंकि तो उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं इन चीजों के ऊपर, मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल भी दी हुई है पहले, ठीक है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे बात है, एज हैपेंस विद सब्सटेंस ऑफ ऑपोजिट क्वालिटीज इन द केमिकल लैबोरेटरी, वो केमिकल लैबोरेटरी है, वहां पे दो ऑपोजिट सब्सटेंसेस पड़े हैं ऑपोजिट क्वालिटीज वाले, वेयर फॉर इंस्टेंस सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटैश यूनाइट टू फॉर्म अ परफेक्टली डिफरेंट सब्सटेंस एंड न्यूट्रल साल्ट। सल्फ्यूरिक एसिड है, पोटैश क्या है, एल्केलाई है, बोले उनको दोनों को मिला दो तो एक न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है, ये होता है बोल रहे लेबोरेटरी में, विच इज नाउ नो लॉन्गर आइदर एसिडिक और एल्केलाई एंड इज नॉट डीकम्पोज इवन बाय हीट, ये कुछ न्यूट्रल सॉल्ट की अपनी कंपोजिशन है, सच एमालगमेशन एंड थोरो कॉम्बिनेशन टू फॉर्म समथिंग परमानेंटली न्यूट्रल एंड इनडिफरेंट डू नॉट एज हैज बीन सेड एवर टेक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू डायनेमिक इंप्रेशन। न्यूट्रल करने वाला है कि ये दर्द हो रही है तो ना दर्द होने वाली चीजें और वो न्यूट्रल हो जाएगा काम, अरे ये चीज मैटर में तो हो सकती है, केमिस्ट्री में हो सकती है, लेकिन डायनेमिक इंप्रेशन में ऐसी चीज नहीं होती। प्लेस विद रिस्पेक्ट टू डायनेमिक इंप्रेशन ऑफ एन एंटागोनिस्टिक नेचर, एक एंटागोनिस्टिक नेचर का डायनेमिक इंप्रेशन है, उसको आप एंटागोनिस्टिक नेचर के दूसरे डायनेमिक इंप्रेशन के साथ न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। एसिडिटी हो रही है, बेस ले लिया कोई, ठीक है ना, तो उससे वो न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है ना। न्यूट्रलाइज कुछ समय के लिए आपने एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट किया, फिर से आ गई एसिडिटी और जोर से आएगी अगली बार और जल्दी आएगी अगली बार, ठीक है ना। इन अवर सेंसिफिक ऑपरेटर, सेंसिफिक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, सेंसिफिक इज अवेयर, विच इज अवेयर टू द सेंसिबिलिटी, एक अवेयर ऑपरेटर है। मैटर इज नॉट अवेयर इन इटसेल्फ, मैटर की कोई अवेयरनेस नहीं है उसमें, मैटर में वो डायनेमिक इंप्रेशन नहीं है इतना ज्यादा, मैं ये नहीं बोलूंगा है ही नहीं, बिल्कुल है, उसमें अलग तरह का डायनेमिक इंप्रेशन है, बड़ा कम है एज कंपेयर टू द मैटर, ठीक है ना। बट इट इज नॉट अ सेंसिफिक ऑपरेटर, एन ऑपरेटर विच इज अवेयर, विच इज हैविंग सेंसिबिलिटी, वैसा नहीं है वो, उसमें वो चीज तो पॉसिबल है न्यूट्रलिटी से, वहां पर डायनेमिक इंप्रेशन इतने नहीं है, डायनेमिसिटी इतनी नहीं है। ओनली अ सेमब्लेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड म्यूचुअल रिमूवल अकर्स इन सच केसेस एट फर्स्ट, बट द एंटागोनिस्टिक सेंसेशंस डू नॉट परमानेंटली रिमूव वन अदर, ठीक है ना। एक सेमब्लेंस, एक रिजेंबलेंस आती है न्यूट्रलाइजेशन की, न्यूट्रलाइज हो गया मेरा एसिड, एसिडिटी हो रही थी, मैंने कुछ ले लिया बेस और ये एसिड मेरा न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना। But the antagonistic sensation do not permanently remove one another, लेकिन अपने आप को permanently remove करती। The tears of the mourner, कोई उदास बैठा है, कोई शोक में बैठा है, उसके जो आंसू हैं, will be dried for but a short time by a laughable play। कोई इसको खुश करने की कोशिश की जाए, कोई चुटकुला सुनाया जाए, कुछ देर के लिए उसके आंसू सूख जाएंगे, चले जाएंगे। The jokes are however soon forgotten, लेकिन वो जो जोक है, वो जो हंसी के, भूल जाता है बहुत जल्दी। And his tears then flow still more abundantly than before. और भी ज्यादा दुख आता है अंदर, और भी ज्यादा रोना आता है जब अकेला हो गया, चले गए सब रजाने वाले, और ज्यादा दुख आता है अंदर, अकेला बैठा रो रहा है। ये डायनेमिक अफेक्शन है हमारी, हमने पहले भी इस चीज के ऊपर बात की कि दुख को या गुस्से को हंसी के साथ या समझाने के साथ नहीं किया जा सकता। समझ भी तब आती है जब हमारे अंदर एक समझ अंदर से पैदा हो जाए, फिर बाहर की समझ भी आनी शुरू हो जाती है।
समझ ही समझ को अट्रैक्ट करती है, गुस्सा गुस्से को अट्रैक्ट करता है, रोना रोने को अट्रैक्ट करेगा। ये हमारी डायनेमिक ऑफ एक्शन है। कोई बंदा रो रहा है उसको कुछ देर के लिए हंसा लोगे, कुछ देर के लिए कंट्रोल कर लोगे, फिर से वहीं पर पहुंच जाएगा और ज्यादा उस गहराई में चला जाएगा। सेकंड फुट नोट, प्लेन एज दिस प्रपोजिशन इज, इट हैज बीन मिसअंडरस्टूड एंड इन ऑपोजिशन टू इट सम हैव एसर्टेड। बेसिकली फुटनोट उस चीज के बारे में जहां पे हम बात कर रहे थे कि जो बीमारी है वो सेकेंडरी एक्शन में और ज्यादा स्ट्रेंथन और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उसके साथ ये फुटनोट है। प्लेन एज दिस प्रोपोजिशन इज, इट हैज बीन मिसअंडरस्टूड एंड इन ऑपोजिशन टू इट सम हैव रिजल्टेड इन अ पैलिएटिव एंड सेकेंडरी एक्शन। क्योंकि हनुमंत सर जब बात करते थे ना तो कुछ समझदार लोग फिर अपनी बात भी साथ में बोलते थे, फिर हनुमंत सर जब वो थोड़ी सी उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग देते थे कि भाई ऐसा नहीं होता। प्लेन एज दिस प्रपोजिशन इज, बोले जो मैंने प्रपोजिशन दी है प्राइमरी और सेकेंडरी की, पूरी प्लेन है एंटीपैथी के उसके ऊपर जो मैंने बताया आपको, क्योंकि उससे बीमारी बढ़ती है, लेकिन इट हैज बीन मिसअंडरस्टूड, कुछ लोगों ने इसको मिसअंडरस्टूड किया। और उसकी ऑपोजिशन में वो क्या बोल रहे हैं, द पैलिएटिव इन इट्स सेकेंडरी एक्शन, जो पैलिएटिव जब उसको सेकेंडरी एक्शन आ गया विच वुड देन बी सिमिलर टू द डिजीज प्रेजेंट, बोले जो पैलिएटिव का सेकेंडरी एक्शन वो तो डिजीज के ऊपर ही होगा ना प्रेजेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी एक्शन में पैलिएटिव इनसेंसिबिलिटी कॉज करती है, तो जो पैलिएटिव का सेकेंडरी एक्शन है उसमें वो पेन कॉज करेगी। उन्होंने ऐसे इसको मिसअंडरस्टूड कर लिया कि हनुमान सर जो है वो सेकेंडरी और प्राइमरी एक्शन दवाई का बोल रहे हैं, दवाई का नहीं है, वही बता रहे हैं। ठीक है, उन्होंने हनुमान सर ने बोला प्राइमरी एक्शन है दवाई का और सेकेंडरी एक्शन है वाई टू फोर। लोगों ने समझ लिया कि प्राइमरी एक्शन भी दवाई का है और सेकेंडरी एक्शन भी दवाई का ही है, तो बोल रहे कि दैट विद पैलिएटिव इन इट्स सेकेंडरी एक्शन व्हिच वुड देन बी सिमिलर, तो सिमिलर हो जाएगी डिजीज के। हनुमान सर ने बोला मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्योरिंग जस्ट एज वेल एज अ होम्योपैथिक मेडिसिन डज बाय इट्स प्राइमरी एक्शन। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन का प्राइमरी एक्शन और हमारी पैलिएटिव का सेकेंडरी एक्शन वो सेम हो गया, तो उसको उसको क्योर कर देना चाहिए। बट दे डिड नॉट रिफ्लेक्ट दैट द सेकेंडरी एक्शन इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिन, द सेकेंडरी एक्शन है ही नहीं प्रोडक्ट मेडिसिन का। यही तो मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को, बट इन वेरिएबली ऑफ द एंटागोनिस्टिकली एक्टिव वाइटल फोर्स, सेकेंडरी एक्शन तो प्रोडक्ट ही वाइटल फोर्स का है। हर मेडिसिन ने एक एक्शन ही देना है प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन इज ऑलवेज ऑफ द वाइटल फोर्स। ये बड़ा क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे ये मतलब है ना कि सेकेंडरी एक्शन दवाई का ही है, नहीं वो वाइटल फोर्स का एक्शन है, उस दवाई के अगेंस्ट, उस दवाई के खिलाफ, उसके एंटागोनिस्टिकली, दैट देयरफॉर द सेकेंडरी एक्शन रिजल्टिंग from the vital force on the employment of palliative the state similar to the symptom of the disease. So, jo uske palliative thi uske jo opposite aayega wo similar hoga na disease ke sath, disease ko palliate kiya gaya tha vital force ne secondary mein apne disease ko fir se bahar nikal dena hai, aur itni si baat hai samjhne wali, and which the reaction of the vital force against the palliative consequently increased cell more. aur isi tarah se jo vital force ka action hai us palliative ke khilaf wo aur zyada badhta jata hai aage ना, क्योंकि हनुमान सर जब वाइट सॉरी ऑर्गन लिख रहे थे, फर्स्ट एडिशन आया, सेकंड आया, थर्ड आया, वो छप रहे थे, उसमें से लोग पढ़ते थे, कुछ को समझ आती थी कुछ को नहीं आती, आज तक नहीं समझ में आ रही है ना, तो ऐसी ध्यान से नहीं पढ़ मैं तो कि समझ भी तब आनी शुरू होती है जब आप उस इमोशन के साथ जुड़ जाते हो जिस इमोशन के साथ ऑर्गन लिखी गई है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ये की है ऑर्गन को समझने के लिए, एक इमोशन है इसको लिखने के पीछे एक कहानी है। जब आप उस कहानी के साथ जुड़ जाते हो तो ऑर्गन फिर समझना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि फिर ये चीजें शब्द नहीं रहती, दीज आर देन नॉट ओनली वर्ड, दिस इज जस्ट एन एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस है, आप उस एक्सपीरियंस को महसूस करते जाते हो, आप एक एक एफरिज्म पढ़ रहे हो और उस एक्सपीरियंस को महसूस कर रहे हो कि हाँ ये ऐसा होता है, ये तो हमने देखा हुआ एक्सपीरियंस में, ये तो ऐसा ही होता है, छोटी सी चीज है ठंडे पानी वाली गर्म पानी वाली, तो हम करते ही, इसलिए मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन पूछा था जब ये प्राइमरी और सेकेंडरी का एक्शन का, कि जब नहाने जाते हैं
गर्म पानी से नहाने जा रहे हैं, गर्म पानी, ठीक है ना, तो नहाने के पहले ज्यादा ठंड लग रही होती है कि नहाने के बाद ज्यादा ठंड लग रही होती है? बाद में ज्यादा ठंड लग रही होती है। हम पहले जब जा रहे हैं नहाने के लिए गर्म पानी का, हम कांपते नहीं होते इतना, जैसे गर्म गर्म पानी, हम बड़ा मजा आ रहा है गर्म पानी में नहाने का, नहान हो के जब बाहर निकला शरीर कांप रहा होता है, बोला भी नहीं जाता, देखते हैं हम। लेकिन कभी दिमाग में ऐसे एक्सपीरियंस में ऐसी चीज नहीं आई कि मैं नहा के गर्म पानी चाहूँ फिर भी कांप रहा हूँ, ठंड ज्यादा लग रही है। सो व्हेन यू गेट इन्वॉल्व इन दिस इमोशन, ठीक है ना, तो ये चीज आपको एक एक्सपीरियंस लगती है, एक चीज सच्चाई लगती है, सच है ये चीजें हमारे आसपास हो रही है, हम देख रहे हैं पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, एंटीपैथिक ट्रीटमेंट के साथ, एलोपैथिक एट्रोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ ये बीमारी बढ़ रही है, सालों से पेशेंट दवाई ले रहा है बीमारी बढ़ रही है, तब तो हुई हनुमान गर्ग का यही तो इमोशन है कि मैंने इस चीज का जन्म इसलिए दिया है, इस चीज की डिस्कवरी, इसकी मेहनत तो इतनी इसके ऊपर इसलिए की है ताकि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया जाए जिससे लोगों की बीमारी कम हो, बढ़े ना, आगे हेल्दी स्टेट आए, हमने वो भी कभी कह सके कि नाउ वी आर हेल्दी, हमें कोई बीमारी नहीं। थर्ड फुटप्लॉट अब ये है हमारा जो लास्ट में, जहां पे हनुमान सर बोलते हैं कि उसकी जो बीमारी की इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी पहले से भी, जैसे ओपीएम का एक्शन एग्जॉस्ट होगा। उसके साथ एक थर्ड फुटनोट है, एज वेन, जैसे कि कहां पे होता है ना, डार्क डंजन, कोई डार्क डंजन है, बेसमेंट है, बड़ी डार्क डंजन होते जहां पे बेसिकली कैदियों को रखा जाता था पहले, अंडरग्राउंड डंजन बनाए होते थे, अंधेरे होते थे बिल्कुल, डिफिकल्टी रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू हिम, डिफिकल्टी के साथ उसके आसपास जो चीजें पड़ी हैं उनको रिकॉग्नाइज कर पाता है वो बड़ी डिफिकल्टी के साथ। तो है अल्कोहल इज सडनली लाइटेड, वहां पे एकदम से अल्कोहल को लाइट कर दिया जाए, एवरीथिंग इज इंस्टेंटली इल्यूमिनेटेड इन अ मोस्ट कंसोलेटरी मैनर टू द अनहैप्पी रेच। वो जब जरा प्रिजनर है उसके लिए कंसोलेटरी मैनर में कंसोलेशन मिली उसको, क्यों कि अंधेरा दूर हो गया और इतना उजाला हो गया एकदम से। But when it is extinguished, लेकिन जैसे वो extinguish होती है, the brighter the flame was previously, the blacker is the night which now envelops him. अब जो रात है वो और भी अंधेरी लग रही है, जितनी वो ब्राइट फ्लेम थी, तो आप खुद भी कर सकते हो, थोड़ी देर अंधेरे में रहो, हल्का हल्का कुछ दिखना शुरू होगा, हल्का हल्का कुछ दिखता है, महसूस होता है यहाँ यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज दिख रही है मेरे को, फिर एकदम से ब्राइट लाइट ऑन कर दो, करके देखो, ब्राइट लाइट ऑन कर दो, चार पांच लाइट ऑन कर दो रूम की, थोड़ी देर रहने दो ऑन, और फिर एकदम से बंद करो दोबारा, एकदम पहले से भी ज्यादा अंधेरा महसूस होगा, पहले से भी ज्यादा आपको अंधेरा महसूस होगा। बट व्हेन इट इज एक्सटिंग्विश्ड, द ब्राइटर द फ्लेम वाज प्रीवियसली, द ब्लैकर इज द नाइट, उतना ही कालापन अंधेरे कहा जाता है, विच नाउ एनवेलप्स हिम एंड रेंडर्स एवरीथिंग अबाउट हिम मच मोर डिफिकल्ट टू बी सीन देन बिफोर, जो कि पहले हल्का फुल्का डिफिकल्टली रिकॉग्नाइज हो रहा था, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी एज कंपेयर टू बिफोर, ठीक है। तो हमने सर बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं डायनेमिक लेवल के ऊपर, ये चीजें ऐसे ही काम करती हैं कि आप अगर पेन को थोड़ा सा एलिवेट करने की कोशिश करोगे भी, जब दोबारा से वो अंधेरा आएगा, जब दोबारा से वो पेन आएगी, तो और भी ज्यादा डार्कर होगी, और भी ज्यादा इंटेंसीफाई होगी वो अंधेरा, वो दर्द और भी ज्यादा इंटेंसिटी में कहा था, ठीक है। सो वी हैव कम टू द लास्ट एफोरिज्म ऑफ दिस थ्योरेटिकल पार्ट। इस लास्ट एफोरिज्म हनुमान सर ने कुछ नया नहीं कहा, सिर्फ ब्रीफ में जो हमने 1 से लेके 69 तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में हनुमान सर बता रहे हैं, ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी इसको कर लेंगे। From what has been already adduced, we cannot fail to draw the following inferences. पूरे हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसके बारे में बात की, हम उससे क्या रिजल्ट निकालते हैं, क्या नतीजा निकालते हैं? That everything of a really morbid character, जो भी चीज बीमारी है जिसको भी हम morbid character बोलते हैं, which ought to be cured, जिसका इलाज करना है, that the physician can discover in diseases, consists solely of the suffering of the patient. जिनको हमने ठीक करना है, जिनको हम ऑर्बिट करेक्टर बोलते हैं, वो बस इट इज कंसिस्टेड बाय ओनली सफरिंग ऑफ द पेशेंट, जो उसके सिम्टम है, जो उसकी सफरिंग है, वही कॉन्स्टिट्यूट कर रही है डिजीज,
एंड सेंसिबल ऑल्टरेशन इन हिज हेल्थ, जो उसके हेल्थ में ऑल्टरेशन हो रही है, इन अ वर्ड सोली ऑफ द टोटैलिटी ऑफ द सिम्पटम्स. ये जो टोटैलिटी हम बनाते हैं एक ही चीज की, क्या क्या सफरिंग है, क्या क्या सिम्पटम है उसका, बाय मीन्स ऑफ विच द डिजीज डिमांड्स द मेडिसिन रिक्विजिट फॉर इट्स क्यूर. और इसी टोटैलिटी ऑफ सिम्पटम्स से, इसी डिजीज से, इन्हीं सिम्पटम्स से जो डिजीज है वो बताते हैं कि मेरे को ये वाली मेडिसिन दे दो ताकि मैं ठीक हो जाऊं. वाइल ऑन द अदर हैंड एवरी इंटरनल कॉज, बीमारी को अपने आप को दिखाने का एक तरीका है बाय सफरिंग, बाय सिम्पटम, बाय ऑल्टरेशन इन दी हेल्थ. दूसरी तरफ एवरी इंटरनल कॉज, कोई भी आप इंटरनल कॉज बोलो, एट्रीब्यूटेड टू इट, कि जी ये बीमारी इस वजह से हो रही है, इसके अंदर ये बैक्टीरिया आ गया, ये वायरस आ गया. अंदर एवरी ऑकल्ट क्वालिटी, ऑकल्ट मतलब जो दिखती नहीं हमें, ठीक है ना, ऐसी कोई क्वालिटी जो अंदर कहीं बोल रहे हैं छिपी हुई है, और इमेजिनरी मटीरियल हमने इमेजिन किया हुआ है दिमाग में कि ये मटीरियल उसके अंदर. मॉर्फिक प्रिंसिपल इज नथिंग बट एन आइडल ड्रीम, कुछ नहीं है, ये सपने हैं सिर्फ, जिनका कोई फायदा नहीं, इमेजिनेशन है जिनका कोई फायदा नहीं. बीमारी को दिखाने का और अपनी दवाई बताने का एक ही तरीका है, थ्रू सिम्पटम. तो बोलता है मेरे को यहाँ पे ऐसी दर्द हो रही है, मेरे को इसके लिए दवाई दे, मेरे को यहाँ पे ऐसी सेंसेशन हो रही है, ये सिम्पटम आ रहे हैं, मेरे को इसके लिए दवाई दे. जो बाकी की चीजें वो सब थ्योरीज हैं, वो स्पेकुलेशन हैं, वो इमेजिनेशन है कि अंदर आपके ये हो गया, अंदर से ये चला गया, अंदर ये आ गया, कैल्शियम कम हो गया, विटामिन डी खत्म हो गया, ये सब उन्होंने कहानी. दैट दिस डीअरेंजमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ विच वी टर्म डिजीज. दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो डीअरेंजमेंट है स्टेट ऑफ हेल्थ की, जिसको हम बीमारी का नाम देते हैं, कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू हेल्थ बाय अनदर रेवोल्यूशन. इसको हेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए एक और रेवोल्यूशन प्रोड्यूस करनी पड़ती है, अफेक्टेड इन द स्टेट ऑफ हेल्थ बाय मीन्स ऑफ मेडिसिन. एक और रेवोल्यूशन अंदर प्रोड्यूस करनी पड़ती है बाय द मीन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के साथ. हूज सोल क्यूरेटिव पावर, जिनकी क्यूरेटिव पावर कॉन्सिक्वेंटली कैन ओनली कंसिस्ट इन अल्टरिंग मैन स्टेट ऑफ हेल्थ. जिन भी चीजों को हम दवाई बोलते हैं उनको दवाई इसलिए बोला जाता है कि उनमें एक पावर है. क्या पावर है? टू ऑल्टर द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ अ पर्सन. दैट इज टू से इन अ पिकुलियर एक्साइटेशन ऑफ मॉर्बिड सिम्पटम्स and is learned with most distinctness and purity by testing them on healthy body. और इनकी एक distinctness होती है, हर दवाई जिसको हम दवाई बोल रहे हैं वो हर चीज health को अपने distinct way में alter करती है. चाइना किसी को दी तो एक अपने distinct way में कुनीन उसको alter करती है, आर्सेनिक किसी को देते हैं वो अपने distinct way में alter करती है. उनका distinct way है, एक peculiarity है उनकी, एक individuality है उनकी. और उसको कैसे सीखा जाता है, उसको कैसे टेस्ट किया जाता है, बाय टेस्टिंग देम ऑन हेल्दी बॉडी, कि उनकी जो प्योरिटी है, उनकी डिस्टिंक्टनेस उसको जानने. नेक्स्ट पॉइंट दैट, और के रिजल्ट निकाला, अकॉर्डिंग टू ऑल एक्सपीरियंस, जितना भी एक्सपीरियंस है, अ नेचुरल डिजीज कैन नेवर बी क्योर बाय मेडिसिन दैट पोजेस द पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग इन हेल्दी इंडिविजुअल एन एलियन मॉर्बिड स्टेट. एक्सपीरियंस हमने ये भी सीखा कि कोई भी नेचुरल डिजीज है वो क्योर नहीं की जा सकती ऐसी दवाइयों के साथ जो कि उसमें एक एलियन या के एक डिससिमिलर मॉर्बिड सिम्टम या डिससिमिलर डिजीज स्टेट पैदा कर सके. डिफरिंग फ्रॉम दैट ऑफ द डिजीज टू बी क्योर, जो डिजीज हमने ठीक करी अगर उसके डिससिमिलर है तो उसको कभी भी ठीक नहीं कर सकती. नेवर देयर फोर बाय एन एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, कभी भी एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के साथ वो स्टेट या कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती. एंड दैट इवन इन नेचर नो क्योर एवर टेक्स प्लेस, कुदरत में भी कभी भी बोल रहे हैं, कुदरत में भी ऐसा कभी क्योर नहीं हुआ इन विच एन इनहेरेंट डिजीज इज रिमूव्ड एंड रिलेटेड एंड क्योर बाय द एडिशन ऑफ अनदर डिजीज. कभी कुदरत में भी ऐसे देखने को नहीं मिला कि कोई डिजीज ठीक हो गई हो बाय एडिशन ऑफ डिसिमिलर डिजीज टू इट, बी द न्यू वन एवर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, चाहे नई वाली जितनी मर्जी स्ट्रांग हो जाए वो कभी पुरानी वाली को नहीं ठीक करती. नेक्स्ट पॉइंट क्या सीखा हमने, इससे क्या रिजल्ट निकाला, दैट मोर ओवर All experience, और क्या वर्क एक्सपीरियंस प्रूव करता है हमें, that by means of medicines which have a tendency to produce in a healthy individual an artificial morbid symptom antagonistic to the single symptom of disease sought to be cured, the cure of a long standing affection will never be effective. और हमें एक्सपीरियंस से क्या सीखने को मिलता है, और हमें एक्सपीरियंस क्या प्रूव करता है कि ऐसी दवाइयां जो कि ऑपोजिट सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं या ऑपोजिट सिम्टम या ऑपोजिट स्टेट प्रोड्यूस करती है, किसी सिम्टम को ठीक करने की कोशिश करती हैं, तो वो कभी भी क्योर अफेक्ट नहीं कर सकती, बट मीन्स वेरी ट्रांजिएंट एलिवेशन, थोड़ी सी एमिलेशन कर सकती है.
ऑलवेज फॉलोड बाय इट्स एग्रवेशन, और उसके बाद क्या होती है उसकी और ज्यादा एग्रवेशन आ जाती है. एंड दैट इन अ वर्ड दिस एंटीपैथिक एंड मियरली पैलिएटिव ट्रीटमेंट इज लॉन्ग इन लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज ऑफ अ सीरियस कैरेक्टर एब्सोल्युटली इनएफिकेशियस. बड़े लंबे समय से जो बीमारियां खड़ी हैं, बड़े लंबे समय से जो बीमारियां चली आ रही हैं, उनमें जब एंटीपैथी के पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता उसको. इट डज नॉट प्रूव टू क्योर द सिम्टम्स. नेक्स्ट कैरजन ने कहा दैट हाउएवर द थर्ड एंड ओनली अदर पॉसिबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट दी होम्योपैथिक. तीसरा जो तरीका है दवाई देने का होम्योपैथिक, इन विच देयर इज एम्प्लॉयड फॉर द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स of a natural disease of medicine capable of producing the most single symptom possibly healthy individual. जहाँ पे दवाई कैसे दी जाती है, totality of symptom लिया जाता है, उस totality of symptom के ऊपर से एक ऐसी दवाई select की जाती है जो कि वैसी ही state produce करती है healthy individual में. Given a suitable dose, एक suitable dose में, एक minimal dose में उसको दिया जाता है, is the only efficacious remedial method whereby diseases which are purely dynamic derangement irritations of the vital force are overpowered and being thus easily perfectly and permanently extinguished. और जब ऐसे दी जाती है तो जो purely dynamic derangement irritations हैं vital force की, यानी dynamic है purely, ये भी सामने बता दिया inference में, ये जो बीमारियां हैं dynamic of region पे हैं, material region की नहीं है, ठीक है ना? They are of dynamic region और हमारी vital force को affect करती हैं, और उनको ठीक करने का एक ही एकमात्र तरीका है क्या, totality of symptom ली जाए और उस सिम्टम के सिमिलर दवाई दी जाए, ऐसी दवाई जो वैसे ही सिम्टम प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती है हेल्दी इंडिविजुअल में, तो ही उससे एक्सपीरियंस ये सिखाता है कि जो बीमारी है वो इजीली परफेक्टली और परमानेंटली एक्सटिंग्विश हो जाती है, मस्ट नेसेसरली सीज टू एग्जिस्ट. और ऐसा होगा भी होगा कि वो एग्जिस्ट करना ही बंद कर देती है जो नेचुरल डिजीज है. एंड फॉर दिस मोड ऑफ प्रोसीजर वी हैव द एग्जांपल ऑफ अनफेटेड नेचर. और ये चीज भी हमें है कुदरत में बड़ी बार बार देखने को मिलती है. When to an old disease, there is added a new one similar the first to the first, whereby the new one is rapidly and forever annihilated and cured. किसी पुरानी बीमारी को में वैसी ही सिमिलर कोई डिजीज आ जाए तो जो नई वाली है पुरानी वाली दोनों ही हमेशा के लिए annihilate हो जाती है और क्योर हो जाती है. तो एक एफोरिज्म जो हमने 1 to 69 पढ़े, 70 में उसका एक ब्रीफ में हनुमान सर होता है कि जो हमने इतना पढ़ा है उसका हम क्या रिजल्ट निकालते हैं, उससे हमें क्या समझ मिलती है, उसे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, ठीक है ना? सो दिस फर्स्ट 70 एफोरिज्म दे आर बेसिकली एक माइंड मेकिंग इंस्ट्रूमेंट है होम्योपैथ के लिए. मैंने एक लाइन पढ़ी थी आज, शेयर भी कर रहा था मैं किसी के साथ. The true purpose of education is not to make career but to make mind. The true purpose of education का वो क्या है, मन को तैयार करना, करियर को नहीं तैयार करना. करियर तो अपने आप मिलेगा, वो एक सेकेंडरी चीज, वो जो इफेक्ट है, जो पौधा उगता है वो पौधा थोड़ी बोया हमने, हमने तो बीज बोया, पौधा तो उगेगा ही उगेगा, क्यों नहीं उगेगा, जब बीज ही बो दिया. अच्छा हाँ, अगर बीज ना बो या गलत बीज बो दे फिर एक्सपेक्ट करते रहे भी एक अलग तरह का बीज मैंने बो दिया गेहूं का और मैं सोच के बैठा हूं इसको सेब लगेंगे, यार वो कैसे हो जाएगा, ठीक है ना? दीज फर्स्ट 70 एफोरिज्म इज बेसिकली सीड फॉर दैट माइंड. ये बीज है उन सेबों के लिए जो हमने बाद में तोड़ने, ठीक है ना? तो इसको नरिश करना, इसको पानी देना, हवा लगाना, धूप देना थोड़ा सा, वो इम्पोर्टेंट है. वो कैसे देंगे हम, रिविजन के साथ दोबारा पढ़ के समझ के, इस चीज को समझ के, शब्दों को नहीं लेकिन शब्द के पीछे जो एक्सपीरियंस है, जो फीलिंग है, जो इमोशन है उसके साथ जुड़ा हुआ, उसको समझ के, उस एक्सपीरियंस को अपने आस पास में देख के, उस एक्सपीरियंस को खुद ऑब्जर्व करके, ठीक है? एक जो बुद्ध हैं उनकी एक टीचिंग है, उन्होंने किसी को नहीं मनाता कि भी कोई चीज है या नहीं है, भगवान है या नहीं है, या निर्वाण या मोक्ष है या नहीं है, मैं नहीं बताता. मैं बोलता हूँ बैठ जाओ,
देख लो एंड देन यू एक्सपीरियंस इट एंड देन सोचो कि भी है कि नहीं है. और जब आप एक्सपीरियंस ही कर लोगे उस चीज को, फिर डिनाई कैसे कर पाओगे? सच्चाई को जब एक्सपीरियंस कर लोगे तो डिनाई कहां से करोगे उसको कि नहीं जैसे नहीं होता है? कैसे बोल ही नहीं सकते आप. हम तब तक ही सच को डिनाई कर सकते जब तक हमने उस सच को एक्सपीरियंस ही नहीं किया. जब सत्य का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर डिनाइल आता ही नहीं, अंदर से हो ही नहीं सकता. जब आप ये सब चीजें देख लोगे पेशेंट में होती हुई, छोटी छोटी चीजें हैं, प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन को देखोगे, ठीक है ना, थेरापेटिक लॉ ऑफ नेचर को, क्योर को देखोगे भी, जो ऐसी दवाइयां जो डिसिमिलर स्टेट प्रोड्यूस करती है उन्होंने आज तक क्योर ही नहीं किया, जब ये देखोगे आप आस पास में तो कैसे डिनाई करोगे? और फिर अगर कहीं देख लिया कि भी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ एक पेशेंट ठीक हो गया, एक पेशेंट भी ठीक हो गया, उस एक्सपीरियंस को कैसे डिनाई करोगे? कोई नहीं फर्क. जस्ट अंडरस्टैंड दिस एक्सपीरियंस, ट्राई टू हैव द फील ऑफ दिस एक्सपीरियंस इन 70 या प्रेजेंट. आगे वाले तो बहुत आसान हो जाएंगे, फिर जो प्रैक्टिकल पार्ट है बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना. इसको दोबारा पढ़िएगा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं. अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं क्या फर्क पड़ रहे हैं, उसको महसूस करो, उस एक्सपीरियंस को महसूस करो बस. दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. वो एक्सपीरियंस याद रहते, शब्द नहीं याद रहते. आप रट्टा लगा लोगे और उसके समझ में नहीं आएगा, उसका कोई फायदा नहीं. आपको ये पता है कौन से एफरिज्म में क्या लिखा हुआ है, अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं किया तो वो ऐसे मेमोराइजेशन का कोई फायदा. इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एक्सपीरियंस, याद अपने आप ही जाती थी, ठीक है. चलो, कोई क्वेश्चन किसी चीज को लेके? हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी भी चीज को लेके? आपकी आवाज नहीं आ रही. चलो, इसके साथ फिर आज की क्लास करते हैं खत्म इसको, ठीक है. नेक्स्ट उससे हम करेंगे शुरू. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए. नंबर 70 एक बार फिर से समझा दीजिए. सेवेंटी का एक रीकैप है. 70 में क्या नहीं समझ में आया आप ये बताओ मुझे. सर 70 में बताइए. ये तो रीकैप हमने जो अभी तक पढ़ा उसका एक काइंड ऑफ ना ब्रीफ है, तो उसमें आपको क्या पार्ट नहीं समझ में आया बताइए, मुझे हम बैठ के कर लेते हैं उसको. हेलो हेलो. हाँ जी बच्चे, क्या क्या नहीं समझ में आया आपको बताइए. 70 एक बार फिर से बता दीजिए, पढ़ा दीजिए. चलो पूरा एक बार कर लेते, ठीक है, कोई नहीं. सो फ्रॉम व्हाट हैज बीन ऑलरेडी एड्यूस्ड वी कैन नॉट फेल टू ड्रॉ द फॉलोइंग इन्फेरेंसेस. बोल रहे हमने अभी तक जो भी पढ़ा है सीखा है, हम उससे ये वाले रिजल्ट जो है इन्फेरेंसेस क्या होता है, रिजल्ट, हमने उसमें से ये रिजल्ट निकाला. That everything of a really morbid character, जो भी चीज morbid character की है, morbid मतलब disease character की है, and which ought to be cured, और जिसका हमने cure करना है, that the physician can discover in diseases. Disease में हमने जिस भी चीज का cure करना है, जो भी morbid character का है, it consists solely of the suffering of the patient. जिसको भी हम बीमारी बोलते हैं, अभी disease किसको बोलते हैं, symptom of the patient, suffering of the patient. पेशेंट को सर दर्द हो रहा है, उसको माइग्रेन बोल देते हैं. सफरिंग है पेशेंट की, पेट में दर्द होता है कॉलिक बोल देते हैं, यहाँ पे बर्निंग महसूस होता है हम हाइपर एसिडिटी बोल देते हैं. दिस इज सफरिंग. ये क्या है बीमारी की, क्या है बीमारी की डेफिनेशन, क्या है दैट इट कंसिस्ट द सफरिंग ऑफ द पेशेंट, इट कंसिस्ट द सिम्पटम्स ऑफ द पेशेंट. यही एक तरीका है वाइटल फोर्स को अपने आप को दिखाने का कि मैं बीमार हूँ. एंड द सेंसिबल ऑल्ट्रेशन इन हिज हेल्थ, और कोई सेंसेस, उसकी सेंसेस में जो भी ऑल्ट्रेशन हुई है की, इन अ वर्ड एक शब्द में क्या है, ओनली ऑफ द टोटैलिटी ऑफ द सिम्टम्स, जितनी भी टोटैलिटी ऑफ द सिम्टम है दैट इज बेसिकली डिजीज, बाय मींस ऑफ व्हिच द डिजीज डिमांड्स अ मेडिसिन रिक्विजिट फॉर इट्स रिलीफ.
और इन्हीं टोटलिटी ऑफ सिम्टम से जो बीमारी है वो अपनी दवाई की मांग रख रही है फिजिशियन के अंदर कि मुझे दवाई दी जाए ताकि मुझे आराम आए। वायु, अब हमने आपको याद होगा कि शुरू में एफोरिज्म पहले में फर्स्ट एफोरिज्म में फुट नोट में बोला कि हम फिजिशियन का काम स्पेकुलेशन बनाना नहीं है, अंदर ये चल रहा है, अंदर उसके वो चल रहा है, ये वायरस ने ऐसा कर दिया, ये वाला बैक्टीरिया ऐसे करता है, ग्राम नेगेटिव ऐसे करता है, ग्राम पॉजिटिव, ये काम नहीं हमारा, ये है ही काम। वेल्स ऑन दी अदर हैंड एवरी इंटरनल कॉज एट्रीब्यूटेड टू इट, हमने आज तक बोला जितने भी उसके कॉज बनाए हुए हैं इंटरनल के अंदर ये हो रहा है इसलिए ये हो रहा है, एवरी अकल्ट क्वालिटी, कोई भी ऐसी क्वालिटी जो हमें दिखी नहीं रही अंदर की, और इमेजिनरी मटीरियल हमने इमेजिनेशन में बनाया हुआ है, वायरस वायरल हो गया है, वायरस का काम है जी ये उस चीज का काम है जी, ठीक है ना, इज नथिंग बट एन आइडल ड्रीम, कुछ नहीं है ये, एक आइडल फालतू का सपना है जो हम घूमते रहते हैं दिमाग में अपने। That this derangement of the state of health. Next point क्या है? और क्या हमने इसमें से result निकाला? और क्या सीखा? कि जो derangement है state of health की, which we term disease, इसको हम disease का नाम देते हैं, can only be converted into health by another revolution. इसको अगर health में convert करना पड़ेगा, करना है, तो उसके लिए एक और revolution patient के अंदर लानी पड़ती है. Affected in the state of health by means of medicine, दवाई देनी पड़ती है उसके लिए, उस revolution को लाने के लिए. उस सोल क्यूरेटिव पावर और दवाई की जो क्यूरेटिव पावर है कॉन्सिक्वेंटली कैन ओनली कंसिस्ट इन ऑल्टरिंग मैन द स्टेट ऑफ हेल्थ, उसकी जो क्यूरेटिव पावर है वो जो भी पावर, जैसे हमने उस टाइम आपको याद होगा आर्सेनिक और मर्सोल की एग्जांपल ली थी, पॉइजनिंग, आर्सेनिक क्रूड फॉर्म में पॉइजन की तरह काम करती है, किसी को दी जाए तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिम्टम आता है, एक हेल्दी इंसान है बिल्कुल ठीक ठाक उसको आर्सेनिक दी जाए उसमें एक सिम्टम निकल के आ जाता है, और ये जो सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है ये पर्टिकुलर कंपोनेंट पेशेंट के ऊपर, यही इसकी क्यूरेटिव पावर है, यानी द पावर ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ ऑल्टरिंग मैन द स्टेट ऑफ हेल्थ इज द क्यूरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन, ये उन्हीं सिम्टम्स को ठीक करेगी जो ये सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है पेशेंट के अंदर, ठीक है ना, ये उसकी पावर है। हम यहाँ पे बैठ के अगर मैं ये कागज का टुकड़ा खा लूं, मेरे अंदर कोई डीरेंजमेंट नहीं आई, कुछ नहीं महसूस हुआ मुझे कागज खाने के बाद, ठीक है ना, लेकिन वहीं पे कोई मरकरी निकल ली जाए उसके थोड़े से भी अमाउंट में तो सिम्टम आने शुरू हो गए, उसका मतलब कागज किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मरकरी व्हेन गिवन प्रॉपरली कैन क्योर द डिजीज, दैट इज टू से इन अ पिकुलियर एक्साइटेशन ऑफ मॉर्बिड सिम्टम एंड इज लर्न विद मोस्ट डिस्टिंक्टनेस, ठीक है ना, और हर जो एजेंट है मेडिसिनल एजेंट है वो एक पिकुलियर टाइप ऑफ मॉर्बिड सिम्टम ही प्रोड्यूस करता है, जो सिम्टम आर्सेनिक ने प्रोड्यूस करने हैं वो मर्सोर ने नहीं करने, मर्करी ने नहीं करने, वो मर्करी के अपने सिम्टम है, आर्सेनिक के अपने सिम्टम है, सिलिकोना के क्विनीन के अपने सिम्टम है, स्नेक ने डस लिया तो उसके अलग सिम्टम आते हैं, कुत्ते ने काटा तो अलग आते हैं, ये डिस्टिंक्टनेस है, और इस डिस्टिंक्टनेस को कैसे सीखा जाता है, इज लर्न्ड विद मोस्ट डिस्टिंक्टनेस एंड प्योरिटी बाय टेस्टिंग देम ऑन हेल्दी बॉडी, एक कंट्रोल्ड मिनिमल डोजेस में जब उनको हेल्दी बॉडी के ऊपर टेस्ट करते हैं, फिर हमें सीखने को मिलता है भी इसके ये डिस्टिंक्टनेस है, इसमें इस तरह के मॉर्बिड सिम्टम्स आते हैं, इस तरह के डिजीज के सिम्टम्स आते हैं, दैट अकॉर्डिंग टू ऑल एक्सपीरियंस अ नेचुरल डिजीज कैन नेवर बी क्योर्ड बाय मेडिसिन that possesses the power of producing in the healthy individual an alien morbid state, और therapeutic law of nature से हमने क्या सीखा कि कोई भी दवाई जो के शरीर के अंदर एक dissimilar morbid state produce करे, dissimilar morbid symptom produce करे, वो कभी भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकती, differing from that of the disease to be cured, never therefore by an allopathic mode of treatment, इसीलिए कभी allopathic mode of treatment से बोले कि वही नहीं बीमारियां ठीक, अरे मैं सर खुद इसीलिए छोड़ दिया, कोई ठीक तो होता नहीं इससे, and that even in nature no cure ever takes place in which an inherent disease is removed, aur kudrat mein bhi kabhi aisa dekha nahi gaya jahan pe koi disease jo hai wo remove ho gayi annihilate ho gayi cure ho gayi by the addition of another disease, jahan pe animal sir ne aisi example li hai, theek hai na, for example 42 43 ke around, okay, जब डिसिमिलर डिजीज आती है नेचुरली भी तो कोई डिजीज ऐसे एनिलेट नहीं होती,
बी द न्यू वन एवर स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग, चाहे नई वाली कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, वो पुरानी केवल थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देगी, पीछे कर देगी और अपना असर दिखाना शुरू कर देगी, लेकिन क्योर नहीं करती. दैट मोर ओवर ऑल एक्सपीरियंस प्रूव्स दैट बाय मींस ऑफ मेडिसिन विच हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस इन द हेल्दी इंडिविजुअल एन आर्टिफिशियल मॉर्बिड सिम्टम antagonistic to the single symptom of disease sought to be cured, the cure of long-standing affection will never be affected. और experience में क्या सीखने को मिला कि ऐसी दवाइयाँ जो कि healthy individual में एक ऐसी morbid state पैदा करती हैं जो कि opposite nature की है जिसको हमने ठीक करना है. दर्द है जो insensibility produce करती है, antipathic है, opposite है, वो भी कभी cure नहीं कर पाती. बट मियरली अ वेरी ट्रांजिएंट एलिवेशन, लेकिन थोड़ा सा आराम दे देते कुछ समय के लिए, दर्द हो रहा था ओपियम दी, आराम आ गया, ऑलवेज फॉलोड बाय इट्स एग्रावेशन. लेकिन दोबारा जब एग्रावेशन होगी तो और ज्यादा बढ़ के आएगी वो दर्द. एंड दैट इन अ वर्ड दिस एंटीपैथिक एंड मियरली पैलिएटिव ट्रीटमेंट इन लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज ऑफ अ सीरियस फैक्टर इज एब्सोल्युटली इनएफिकेशियस. जो लंबे समय से चली आ रही हैं बीमारियां, बड़े लंबे समय से हैं, उनमें ऐसा एंटीपैथिक और पैलिएटिव ट्रीटमेंट का कोई ऐसी केस ही नहीं हो, किसी भी तरह से हेल्प नहीं करती. बट हाउएवर द थर्ड एंड ओनली अदर पॉसिबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट, एक जो तीसरा है पॉसिबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट भी होम्योपैथिक, इन विच देयर इज एम्प्लॉयड फॉर द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ अ नेचुरल डिजीज अ मेडिसिन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मोर सिम्पल सिम्टम. यहां पर हम दवाई कैसे देते हैं कि जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है हमारे पास, उसको सर दर्द है, सर दर्द के साथ उल्टी जैसा महसूस होता है, जो दर्द है वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है उसका, ठीक है ना, ये सिम्टम है उसके टोटेलिटी में. हमने दवाई कौन सी चूज की जो किसी हेल्दी इंडिविजुअल को दी तो उसमें भी सर दर्द हुआ जो कि राइट टू लेफ्ट जा रहा था, साथ में नौशिया हुआ, ये वाली दी हमने दवाई. ये चूज की हमने उसको देने के लिए क्यों, क्योंकि सिम्टम सिमिलैरिटी है दोनों में, होम्योपैथिक है ये. गिवन इन सूटेबल डोज, ऐसी दवाई को जो हम सूटेबल डोज में देंगे is the only efficacious remedial method whereby diseases, और ये अकेला ही ऐसा method है जहाँ पे diseases which are purely dynamic during irritation of the vital force are perfect, are overpowered and being thus easily perfectly and permanently extinguished. ये एक ही तरीका है जिससे disease को, dynamic disease को overpower किया जा सकता है और उनको हमेशा के लिए extinguish किया जा सकता है. Must necessarily cease to exist and they will cease to exist. And for this mode of procedure, we have the example of unfettered nature herself. और इसके लिए हमारे पास examples हैं nature की, जो पीछे हनुमान सर ने दी हैं 45-46 में. When to an old disease, there is added a new one similar to the first, whereby the new one is rapidly and forever annihilated and cured. ठीक है ना? तो वहाँ पे जो दोनों diseases हैं, वो हमेशा के लिए cure होगी और annihilate होगी. ठीक है, तो दिस इज होम्योपैथिक वे, हमें कुदरत में भी देखने को मिलता है और खुद भी हम एक्सपीरियंस करते हैं जब इसको देखते हैं. आई बात समझ में, इनको थोड़ी थी कंफ्यूजन. 17 यस सर, आ गई, आ गई सर. और कोई किसी को क्वेरी है कुछ? क्लास को करते हैं यहीं पे फिनिश.